हम आ गए हैं इस वीडियो के साथ so I'm pretty sure कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, Hello and Hello के बाद होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम सो तैयार है सभी लोग लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो एल्केन्स क्या होते हैं ये नाम से ही पता चल रहा है जब एक हैलोजेन एक एल्केन के साथ जुड़ जाए तो हमें मिलता है हेलो एल्केन तो भाई एल्केन जैसे कि मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह वगैरह तो ये एल्केन मेरा एक सीधा साधा भोला भोला प्यारा सा एल्केन था लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ एक हैलोजेन आया जैसे कि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन और उसने हाइड्रोजन को हटा करके कब्जा कर लिया उसकी जगह को और हमें मिल गया हेलो एल्केन एग्जाम्पल के तौर पर बात बात करते हैं हम इथेन की इथेन क्या है मेरा सीधा साधा भोला भाला एल्केन एग्जैक्टली सो इथेन इज C2H6 लेकिन एक दिन हुआ कुछ यू कि एक हैलोजन आया जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन ने आकर के एक हाइड्रोजन को वहां से भगाया और उसकी जगह ले ली तो हमें क्या मिला इथाइल क्लोराइड तो इथाइल क्लोराइड एक हेलो एल्केन है जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं अब ठीक उसी तरीके से आपने गेस कर ही लिया होगा कि हेलो अरिंस क्या होते हैं बताओ जब एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं एरिन यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमैटिक क्या होते हैं रिंग वाले हाइड्रोकार्बन पहला रिंग जो दिमाग में आता है दैट इज बेंजीन एब्सोल्युटली तो रिंग के साथ जब एक हेलोजन अटैच रहता है जैसे कि ये वाला बेंजाइल क्लोराइड तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एराइल हेलाइड्स या फिर हेलो एरीन्स तो ये जो हमारा पूरा लेसन है दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो

बिल्कुल जुड़ी हुई है कुछ एग्जाम्पल दो चीज है मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना नाम शायद नहीं सुना होगा बट ये आपको बहुत काम आती है स्पेशली तब जब आप बीमार पड़ते हो सो क्लोराम फेनिकॉल जो है ये एक एंटीबायोटिक का नाम है अब तो मानोगे कि ये काम आती है कभी ना कभी ओके सो क्लोरामफेनिकॉल फेनिकॉल नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर होता है एक हेलोजन कौन सा वाला हेलोजन क्लोरीन और ये बहुत इफेक्टिव होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर इतना ही नहीं बहुत सारे सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड सिंथेटिक बोले तो जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है जैसे कि क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन थोड़ा कॉमन नाम है बताओ ये किस चीज के ट्रीटमेंट में काम आता है फटाफट फड़ से बताओ मलेरिया एग्जैक्टली सो मलेरिया जिससे बहुत सारे लोगों की पहले जाने भी चली जाती थी इसको ट्रीट किया किसने क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन में क्या है हेलोजेन क्लोरीन। हमारी खुद की बॉडी ह्यूमन बॉडी जो है ये खुद प्रोड्यूस करती है एक ऐसी हार्मोन, जिसके अंदर होता है एक हेलोजन कौन सा वाला हैलोजन आयोडीन बता सकते हो क्या नाम है उस हार्मोन का जिसमें आयोडीन होता है स्पॉट ऑन और थायरोक्सिन की कमी की वजह से बहुत से लोगों में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर सो फिर थायरोक्सिन आल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इनसाइड आवर बॉडी इसके अलावा अगर बात करें हेलोथेन की ये एक एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी एनिस्थीशिया तो समझते हो सर्जरी जब होती है किसी भी इंसान की तो उसे पहले बेहोश कर दिया जाता है राइट क्योंकि जागते हुए इंसान के अगर भाई हाथ पैर काटे जाएंगे तो क्या ही होगा है कि नहीं तो इसलिए सबसे पहले उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और बेहोश करने के लिए उन्हें कुछ इंजेक्ट किया जाता है कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिसे हम कहते हैं और इसी चीज को इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनिस्थेसिया तो हैलोथेन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हैलोजन है हेलोथेन एक एनिस्थेटिक की तरह काम करता है ड्यूरिंग सर्जरी इतना ही नहीं ये तो थे कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं इतना ही नहीं बहुत सारे कंपाउंड्स को डिजॉल्व करने के लिए भी ये काम आते हैं सो दे आर ऑल्सो यूज ए सॉल्वेंट्स फॉर अ लॉट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स तो चलो बच्चों बात करें हेलो एल्केन्स की थोड़ा और डिटेल में तो हमने क्या सीखा हेलो एल्केन जिसे हम अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं इसमें होता क्या है कि एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है फटाफट याद दिलाती रहूँगी एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन जिसमें कोई भी रिंग स्ट्रक्चर ना हो मतलब एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन कुछ भी चलेगा बस रिंग नहीं होना चाहिए सो दैट्स एलिफैटिक तो कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से क्लोरीन बोले तो हैलोजेन से तो हमें मिलता है एक हेलो एल्केन एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हम मीथेन मीथेन सी एच फोर तो जैसे कि मेरे हाथ में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें देखो ये जो ब्लैक वाला बॉल दिख रहा है बीच में दैट इज कार्बन जो कि चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से एंड आवर मीथेन होगा क्या जब पिक्चर में आ जाएगा ये हेलोजेन मान लेते हैं कि ये क्लोरीन है ये क्लोरीन आएगा यहां पर इस हाइड्रोजन को अपनी जगह से उड़ाएगा और उसकी जगह ले लेगा ले तो अब ये क्या बन गया ये बन गया सी एच थ्री सी एल जो कि एक हेलो एल्केन है एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखो एल्केन के साथ जुड़ गया एक हेलोजेन दैट्स हैलो एल्केन बट देखो कहानी यही खत्म नहीं होती है अभी और क्लोरीन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और हाइड्रोजन बचे हुए हैं इस हाइड्रोजन को भी गायब कर सकते हैं इस हाइड्रोजन को भी गायब कर सकते हैं और इसको भी बट ये गायब जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर क्लोरीन जुड़ते चले जाएंगे जैसे कि सी एच टू सी एल टू जैसे कि सी एच सी एल थ्री जैसे कि सी सी एल फोर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हमने क्या देखा एक एक करके चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने क्लोरीन ने और हमें क्या मिलते गए हमें मिलते गए एल्काइल हेलाइड्स राइट अब यहां पर एक और खास चीज है देखो अगर इस स्ट्रक्चर को देखो मीथेन के इस स्ट्रक्चर को तो ये जो कार्बन है जिसके साथ मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 अब आप देख रहे होंगे मेरी तरफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बिल्कुल भी नहीं देखना है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में बहुत ही धांसू तरीके से डिस्कस कर लिया था क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री में बट अगर आपने इलेवंथ की केमिस्ट्री मेरे साथ नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं अभी जाओ जाके फटाफट से इस वीडियो को देखो जिसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है बच्चा क्योंकि ये आपको काम आने वाला है ठीक है तो काम क्यों आने वाला है थोड़ी देर में पता लगेगा ठीक है बट यहां पे ये ध्यान दिला दे आपको आपका ध्यान इस पर मैं लेके जाऊंगी कि ये जो कार्बन है ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है इसका शॉर्ट में अगर बोलना हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि, कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3 मतलब एक s और तीन p के ऑर्बिटल सब काम पे लगे हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो आप इसको यू याद रखो sp3 का मतलब है कि एक s और तीन p, यानी कि टोटल चार तो ये कार्बन जो है टोटल चार बंदों के साथ बॉन्ड बनाएगा जैसे यहाँ बनाया है देखो ये कार्बन एक दो तीन और चार ट इज वाई इस कार्बन का हाइब्रेडाइजेशन इज एस पी थ्री ठीक तो आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल हमें हेलो एल्केन का कॉन्सेप्ट काफी समझ में आ गया है ना तो चलो अब बात करते हैं हेलो अरेंस की तो हेलो एरीन्स का भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हेलो एल्केन्स के जैसा है सिर्फ फ़र्क क्या है जैसे हेलो एल्केन्स के केस में हम बात कर रहे थे एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की यहां पर जो पूरी की पूरी कहानी है वो किसके अराउंड है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अराउंड है एरोमेटिक बोले तो ये रिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि हमारा प्यारा सा बेनजीन का रिंग याद है सबको सी जिसमें छः कार्बन आइटम होते हैं ये ब्लैक वाले बॉल्स कार्बन है इसके बीच में देखो ऑल्टरनेटली मैंने सिंगल और डबल बॉन्ड बना दिया है राइट याद है वो अंदर वाला सर्कल रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह जो सब कुछ हमने इलेवंथ की केमिस्ट्री के में पढ़ लिया है ठीक है तो यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं अब यार ये जो एरीन होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है यहां पर भी इनके साथ भी हाइड्रोजन लगे होते हैं देखो हर कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है है ना तभी तो सी सिक्स सिक्स है अब मान लो घूमते घामते कोई क्लोरीन आ जाए जो इस हाइड्रोजन को यहां से गायब कर दे और इसकी जगह ले ले तो क्या होगा क्या होगा बन जाएगा हेलो अरीन राइट जैसे वहां पे हेलो एल्केन बन रहा था वैसे ही यहां पर हेलो अरीन बन जाएगा बट यहां पर एक खास बात यह है कि अगर इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो और इस कार्बन को किसी भी कार्बन को उठा लो उस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है चलो चेक करते हैं किसी भी कार्बन को लो इस ब्लैक वाले बॉल को लो ये इधर एक बंदे से अटैच्ड है इधर एक बंदे से अटैच्ड है और इधर एक बंदे से अटैच्ड है तो ये एट टाइम तीन लोगों से ही अटैच्ड है क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है राइट तो इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो जा रही है बस ये अटैच्ड कितने लोगों से है तीन ही लोगों से है यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी टू एक एस और दो पी एस पी टू तो यहां पर ये एक डिफरेंट चीज हमने देखी कि जब हम इस हेलो एरीन की बात कर रहे हैं तो यहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज एक्चुअली एस एंड नॉट एस तो बच्चों अब ये जो हैलो एल्केलो हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि भाई उस कंपाउंड में कितने हेलोजन लगे हुए हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेलो एल्केन की बात करें अगर उसमें उस स्ट्रक्चर उस में सिर्फ एक ही हैलोजन लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे मोनो हेलोजन मोनो हैलो उसी तरह अगर दो लगे हुए हैं तो डाई हैलो तीन लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो चार लगे हुए हैं तो टेट्रा हेलो बहुत सारे लगे हुए हैं तो पॉली हेलोजन कंपाउंड भी हम इसे कह सकते हैं राइट ठीक उसी तरीके से अगर हम हेलो एरीन की बात करें तो वहां पर भी जो हमारा एरिन है जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो रिंग है उसमें अगर एक हेलोजन लगा है तो मोनोहैलो अरिन दो हेलोजन लगे हैं तो डाई हैलो अरिन तीन हेलोजन लगे हैं तो ट्राई हैलो अरिन एंड सो ऑन तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इन स्ट्रक्चर्स को देख करके आप बता सकते हो कि ये मोनो हैलो एल्केन है कि डाई हैलो एल्के्केन है कि ट्राई हेलो एल्केन है उसी तरह मोनो हैलोअरीन है डाई है ट्राई है टेट्रा है या फिर क्या है तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि ये जो मोनोहैलो कंपाउंड है चाहे मोनोहैलो या मोनोहेलो हो इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम अरे यार वही कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं बात कर रही हूं मोनो या मोनो की। की इन में कितने सिर्फ एक।, एक वाला जो थ्री है, है, का है या एस पी टू है इसके बेसिस पे हम इन्हें क्ला, क्लासीफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं तो कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर एस है तो इसके अंदर हमें

तो चलो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइल हेलाइड की अल्काइल हेलाइड क्या होता है अल्काइल हेलाइड में एक हेलोजन अटैच होता है या बॉन्डेड होता है एक अल्काइल ग्रुप से ठीक है अल्काइल ग्रुप क्या होता है एक एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा अल्काइल ग्रुप है ना तो पहले भी मैंने वही बोला था राइट एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जब हेलोजन ले, ले लेता है तो मुझे क्या मिलता है अल्काइल हेलाइड ठीक है सो दैट्स एल्काइल अब सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करवाऊंगी क्योंकि मैंने ये बोला था कि एलकाइल हैलाइड उस कैटेगरी में फॉल करेगा जहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा एस ठीक है तो चलो इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये मैंने सही बोला था या नहीं तो यहां पर स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जैसे कि मिथाइल हैलाइड इथाइल प्रोपाइल हेलाइड ब्यूटाइल हेलाइड पेंटाइल हैलाइड वगैरह वगैरह ठीक है अब सबके केस में उस कार्बन पे फोकस करो जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है फोकस किया सारे कार्बन पे ओके okay. अब चेक करो कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है कैसे चेक करोगे ये कार्बन कितने और चीजों के साथ जुड़ा हुआ है देखो अगर बात करें हम मिथाइल हेलाइड की तो वहां पर जो कार्बन है वो एक हेलोजन और तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है राइट right? अगर हम किसी और एग्जाम्पल को देखें तो वहाँ हो सकता है कि वो एक हैलोजन और एक एल्काइल ग्रुप और बाकी दो हाइड्रोजन से अटैच है कहीं और ऐसा भी देख सकते हैं कि वो एक हेलोजन से दो एल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है बट इन एनी केस इन सारे स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन है वो चार बंदों के साथ अटैच्ड है यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एस पी थ्री राइट right? ओके okay. अब एल्काइल हेलाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी या फिर वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री बेस्ड ऑन कि जो मेरा हेलोजन है वो किस तरह के कार्बन से अटैच्ड है इसका क्या मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो वापस एक कार्बन से अटैच्ड है मतलब हैलोजन एक कार्बन से अटैच है अब वो जो कार्बन है वो एक और कार्बन से अटैच है तो इस तरह के कार्बन को हम क्या कहेंगे वन डिग्री और इस तरह के अल्काइल हेलाइड को भी हम वन डिग्री अल्काइल हेलाइड या फिर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहेंगे वहीं अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो वापस दो और कार्बन से अटैच है तो हम उसे कहेंगे टू डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड और अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो वापस तीन और कार्बन से अटैच है तो उस तरह के कार्बन को हम क्या कहेंगे थ्री डिग्री या फिर टर्शियरी एल्काइल हेलैंड सो आई थिंक विद दिस वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी क्लियर हो गया है तो स्ट्रक्चर्स को देखते हुए समझो सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन नहीं करो स्ट्रक्चर्स को देखो और उनकी पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में सो दैट्स हाउ यू विल रिटेन इट इवन बेटर तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे एलाइलिक हेलाइट्स की एलाइलिक हेलाइट्स का मतलब क्या होता है एलाइल एलाइल वर्ड का क्या मतलब है एलिज का मतलब क्या होता है दोस्ती राइट मतलब फ्रेंडशिप ठीक है अच्छे रिलेशन दैट इज एलाइलिक ओके तो क्या अब एलाइल वर्ड से आप याद रखो कि इस यहां पर ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कुछ रोल है क्या रोल है यो समझो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो दोस्त है जो पड़ोसी है हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं इनफैक्ट उस कार्बन को अलाइलिक कार्बन भी कहा जाता है तो जब कभी आपको एक ऐसा सिचुएशन दिखे जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बट इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक और कार्बन है ठीक है तो ये क्या हो गया ये पड़ोसी कार्बन हो गया हुआ कि नहीं ये पड़ोसी है इसका तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे एलाइलिक कार्बन ठीक है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी है ओके ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एलाइलिक हेलाइड की यानी कि एलाइलिक हेलाइड में जो हैलोजन है वो किससे अटैच्ड होगा एलाइलिक कार्बन से

चार लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है चार लोगों के साथ जहां कोई बॉन्ड बना सकता है यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एक एस और तीन पी दैट इज एस पी थ्री राइट तो यानी कि ये जो मेरा एलाइलिक कार्बन है ये sp3 थ्री कार्बन है तो अगर मेरा हेलोजन आके इस वाले कार्बन से अगर मेरा हेलोजन आके इस वाले कार्बन से जुड़ जाए तो ये किस तरह का हेलाइड बनेगा एलाइलिक हेलाइड और ऐसा सिर्फ एलिफैटिक के केस में ही नहीं अगर रिंग स्ट्रक्चर में भी कभी ऐसा होता है कि जहां पे डबल बॉन्ड है उसके पड़ोसी वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा हुआ हो तो उसे भी हम किस तरह का हेलाइड कहेंगे जो तीसरा टाइप का हेलाइड है दैट इज बेनजाइलिकेलाइड अब नाम से आप खुद गेस करो कि ये किस तरह का हेलाइड होगा बेनजाइलिकलाइड मतलब जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा कहाँ पे जुड़ेगा किस कार्बन से जुड़ेगा जो एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन हो राइट तो एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बेंजीन रिंग तो कुछ ऐसा दिखता है राइट जहाँ पे ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड्स होते हैं तो इनमें से कोई भी कार्बन एस पी थ्री हाइब्रेडाइज तो है नहीं तो यानी कि बेंजाइलिक खेलाइड में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कार्बन की जो इस बेंजीन रिंग से अटैच्ड है राइट मतलब अगर कभी भी एक हाइलोजन एटम एक ऐसे sp3 थ्री कार्बन के साथ अटैच हो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक बेनजाइलिकलाइड तो यहां पर आप मुझे बताओ कि अगर कहीं से उड़ता हुआ एक हाइलोजन आ जाए तो ये हेलोजन आके कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा ऑब्वियसली इस वाले कार्बन के साथ राइट इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम sp2 पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले कैटेगरी की तो इस कैटेगरी में आते हैं दो तरह के हेलाइड्स पहले बात करेंगे हम विनाइल हेलाइड्स के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एराइल हेलाइड्स ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं विनाइलिक हेलाइड्स ये क्या होते हैं जब मेरा हेलोजन जो है वो डिरेक्टली एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जाए जो सी डबल बॉन्ड सी का पार्ट है राइट तो यहां पर किस तरह का कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जैसे कि ये वाला यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है राइट right? अगर ये इस कार्बन की हम बात करें चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें फॉर एग् इंस्टेंस अभी के लिए इसकी बात करते हैं तो इस कार्बन की अगर बात करें तो ये इधर डबल बॉन्ड से एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर ये किसी और से जुड़ सकता है और इधर नीचे भी ये किसी और से जुड़ सकता है यानी कि ये तीन चीज़ों के साथ जुड़ सकता है तो यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है वन

तो फाइनली बचा हमारा आखिरी तरह का हेलाइट जो कि है एराइल हेलाइट एराइल हेलाइट नाम से पता चल रहा है एराइल मतलब एरोमैटिक रिंग तो एरोमेटिक रिंग के जो कार्बन होते हैं जो कि sp2 टू हाइब्रिडाइज होते हैं जब मेरा हालोजन डिरेक्टली इस कार्बन से अटैच हो जाए तो हमें मिलता है एराइल हेलाइट जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दिस रिंग तो ये जो रिंग है ये क्या है एक एरोमेटिक रिंग है जिसमें ऑल्टरनेटली डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं राइट right? तो इस रिंग पर लाई करने वाले जितने भी कार्बन हैं, जितने भी ये ब्लैक बॉल्स हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है राइट right? क्यों किसी को भी ले लो ये इधर से एक बंदे से जुड़ा हुआ है इधर एक बंदे से और यहां से एक और हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले बॉल की तो ये इधर से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से इधर सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन से और इधर ये किसी और से जुड़ सकता है राइट तो यानी कि ये एट अ टाइम तीन बंदों से जुड़ सकता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ sp2 टू तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर जुड़ जाए मेरा हेलोजन तो इस तरह के हेलाइट को हम कहेंगे एराइल हेलाइट तो प्यारे बच्चों अब इससे पहले कि हम और हेलो एर के बारे में और कुछ जाने इनके बारे में और कुछ डिटेल में डिस्कस करें सबसे पहले करेंगे हम इनका नामकरण राइट हम वी विल टॉक अबाउट देयर नॉम क्लेचर खुद सोचो जब आप किसी नए क्लास में जाते हो जिस क्लास में लेट से चालीस बच्चे हैं तो सबसे पहले टीचर जो है वो सबसे क्या पूछती है या फिर आप भी बाकी बच्चों से क्या पूछते हो सबसे पहले तो आप उनका नाम पूछते हो राइट पहले आप नाम जानोगे उसके बाद ही तो आप पूछोगे कि भाई तुम्हारी हॉबीज़ क्या है तुम्हें क्या खाना पसंद है तुम्हें क्या करना पसंद है वगैरह वगैरह राइट right? तो नाम सबसे पहले तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का नामकरण कैसे करते हैं वो पहले सीखेंगे ताकि आगे जाकर जब हम इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ें इनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ें तो हमें एटलीस्ट पता हो कि भाई ये जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड का नाम क्या है है ना तो अब नामकरण में भी केमिस्ट्री का नामकरण कैसा होता है दो तरह के नाम होते हैं जैसे आपके भी होते हैं एक स्कूल का अच्छा वाला नाम और एक घर का वो पिंटू चिंटू वाला निक नेम है ना तो इसी तरह हमारे जो ये कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में इनके भी दो तरह के नाम होते हैं एक तो इनका ऑफिशियल नाम होता है जिन्हें हम आई नेमिंग कहते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं दूसरा होता है कॉमन नेम्स मतलब जिस नाम से वो जाने जाते हैं राइट जिस नाम से अधिकतर लोग उन्हें बुलाते हैं सो दैट्स लाइक देयर कॉमन नेम्स तो अभी हम करेंगे कुछ यूं कि हम ढेर सारे कंपाउंड्स का एग्जांपल्स लेते चलेंगे आई नेमिंग और कॉमन नेम्स दोनों साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे अब आई यू पी के जो रूल्स हैं जो बेसिक्स है वो सब कुछ तो हमने इलेवंथ की केमिस्ट्री में कवर कर लिया था अब आप सोच रहे हो कि मैम बीच बीच में ऐसा बोलती रहती है कि इलेवंथ में कवर कर लिया था इलेवंथ में कवर कर लिया था अब मैं क्या करूँ जब आधी चीज़ें हमने इलेवंथ में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और ट्वेल्थ इज मोर लाइक अ कंटिन्यूएशन टू वॉट वी हैव स्टडीड इन इलेवेंथ तो अगर बाय चांस आपने इलेवेंथ की केमिस्ट्री नहीं देखी है और अगर अब आपको देखने का मन है नॉमिन का बेसिक्स तो फील फ्री टू वॉच दिस वीडियो ऑन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हालांकि यहां पर भी मैं लगभग लगभग आपको सिखा दूंगी कि हेलो एल्केन्स और हैलो एरियंस की नेमिंग करते कैसे हैं तो चलो तैयार हो जाओ पेन पेपर के साथ और मेरे साथ साथ कंपाउंड्स का करो नामकरण तो चलो बच्चों यहां पर हमारे पास हैं कुछ एग्जाम्पल्स इन सबके हम आई एस नेमिंग एज वेल एज कॉमन नेम्स दोनों करेंगे ठीक है तो सबसे पहले करेंगे आई नेमिंग क्योंकि आई के रूल से हम सभी वाकिफ है नॉमिन हमने काफी डिटेल में क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था तो चलो देखते हैं पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास सो so, पहला कंपाउंड है सी एच ठीक हम क्या करते हैं रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं उसकी नंबरिंग करते हैं ठीक है यहां पर साफ साफ दिख रहा है एक दो तीन एक दो तीन तीन ही कार्बन है यहां पर तो यही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे जिधर सब्सटीटूएंट्स लगे हुए हो उसे हम कम नंबर देंगे तो यानी कि नंबरिंग हम किस तरफ स्टार्ट करेंगे देखो इधर क्लोरीन लगा हुआ है तो इस वाले साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगी वन टू थ्री ठीक है अब इसका नामकरण कैसे करेंगे वो भी आयुपेसी आयुपीएसी के रूल के हिसाब से हम क्या कहेंगे वन वाले कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो राइट तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो और ये जो चेन है कितने कार्बन की चेन है तीन कार्बन की तीन कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं रूट वर्ड क्या होता है प्रॉप जैसे अगर एक कार्बन हो तो मिथ दो कार्बन हो तो इथ तीन कार्बन हो तो प्रॉप चार कार्बन हो तो ब्यूट एंड सो ऑन राइट तो प्रॉप हो जाएगा और यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए एन तो इस वाले स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हो जाएगा one chloro propane ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पहले सबके हम क्या कर लेंगे IUPAC नेम ठीक है चलो अगला वाला देखते हैं CH3 CH CH3 और बीच वाले कार्बन से लगा हुआ है ब्रोमीन यानी कि Br ठीक है यहां पर भी पहले तो कार्बन की चेन ढूंढो एक दो तीन तीन कार्बन है यहां पर एक दो तीन तो यही लॉन्गेस्ट चेन है नंबरिंग किधर से करेंगे अब देखो चाहे मैं इधर से करूं वन टू थ्री या फिर मैं इस साइड से करूं वन टू थ्री बात तो एक ही है क्योंकि दोनों ही केस में ब्रोमीन मेरा दो नंबर पे आ रहा है राइट तो इसीलिए जिधर से मर्जी हो उधर से कर लो नंबरिंग ठीक है तो इस नंबरिंग के हिसाब से दो नंबर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू ब्रोमो कितने कार्बन का चेन है तीन तो यानी कि यहाँ पर भी रूट वर्ड होगा प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसीलिए एन तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो प्रोपेन ठीक है तो शुरुआत तो हमेशा आसान आसान वाले से ही करेंगे धीरे धीरे मुश्किल वाले भी देखेंगे ठीक है चलो अब देखते हैं तीसरा वाला एग्जाम्पल सी एच CH, थ्री सी एच सी एच टू बी आर और यहाँ पर भी एक सी एच थ्री लगा हुआ है ठीक है तो यहां पर टोटल कितने कार्बन है एक दो तीन और चार यहाँ पर चार कार्पर है ठीक है लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है जिससे एक लाइन में आना चाहिए वो मतलब तो ऐसा नहीं कि पहले आप ऊपर गए फिर वापस आए नीचे नहीं ऐसे नहीं जिधर भी जाना है दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हो बट वन शॉट में जाना है कुछ भी रास्ता आपको रिपीट नहीं करना है ठीक है तो इसका मतलब या तो आप ये वाली चेन ले सकते हो ठीक है या फिर आप ये वाली चेन ले सकते हो कार्बन की या फिर आप ये वाली चेन ले सकते हो कार्बन की राइट right? बट अगर आप सोचो कि नहीं मैम मैं तो ना ये चेन लूंगा ऐसे करके फिर वापस आके ऐसे करके नहीं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप वापस नहीं आ सकते आपको एक स्ट्रेट चेन लेना है ठीक है बात समझ में आई Cool तो उस हिसाब से मेरा लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर चाहे मैं कोई सा भी ऑप्शन लेती हूँ जो भी पॉसिबल है तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन तीन ही कार्बन का आएगा ठीक है तो तीन कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन कैसा लूंगी मैं जो चेन मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटाइज करे है कि नहीं तो मान लो मैं अगर इसे ऐसे नंबरिंग करूं वन टू थ्री तो इस नंबरिंग के हिसाब से देखो जो ब्रोमो ग्रुप है वो एक नंबर कार्बन पे लगा हुआ है और जो मिथाइल ग्रुप है वो दो नंबर कार्बन पे लगा हुआ है करेक्ट क्योंकि मैंने चेन तो इस वाले को ले लिया ये मेरा चेन है दिस इज आवर चेन ठीक है ना बात समझ में आई तो फिर इसका जब हम नामकरण करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे वन ब्रोमो क्योंकि वन पे ब्रोमो है टू पे क्या है मिथाइल है तो चलो लिखते हैं वन ब्रोमो टू मिथाइल जो मेन चेन है उसमें तीन कार्बन है तो रूट वर्ड विल बी प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन तो यानी कि वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन ये हो जाएगा इसका आयू नेम तो भाई तीनों गिवन कंपाउंड्स के हमने आई नेम तो लिख डाले हैं अब बारी है कॉमन नेम्स की तो चलो अब बात करते हैं कॉमन नेम्स की कॉमन नेम्स में ना नॉर्मली जैसे जो इस तरह के हेलो एल्केन्स होते हैं इसको कॉमन तौर पर हम एल्काइल हेलाइट्स कहते हैं इसीलिए इनका नाम भी हम एल्काइल हेलाइड्स के फॉर्मेट में ही करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है ये के तौर पे सोचो तो ये पूरा क्या है ये पूरा कौन सा वाला एल्काइल ग्रुप है तीन कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप तीन मतलब प्रॉप prop, प्रोपाइल है राइट तो इसीलिए इसका कॉमन नेम जब हम लिखेंगे हम लिखेंगे प्रोपाइल क्लोराइड ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम तो इसका कॉमन नेम होता है प्रोपाइल क्लोराइड अब चलते हैं सेकेंड वाले पे यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है तो ये भी तो प्रोपाइल ग्रुप ही है तीन कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और ब्रो ब्रोमीन लगा हुआ है इसके साथ तो उस सेंस में इसका होना चाहिए प्रोपाइल ब्रोमाइड आप ऐसा बोल सकते हो बट ऐसा है नहीं अब देखो ब्रोमीन अगर ये लास्ट में लगता राइट मतलब कि अगर वन ब्रोमो प्रोपेन होता उस केस में हम उसे प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते बट यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो सेकेंड पोजीशन पे है राइट right? तो यानी कि दोनों सेम चीज तो नहीं है तो अब कॉमन नेम में हम हर को प्रोपाइल प्रोमाइड तो नहीं कह सकते हैं राइट right? कुछ और कहेंगे क्या और कहेंगे तो यहां पर हम यूज करते हैं कुछ प्रिफिक्स ठीक है जैसे कि आइसो जैसे कि नियो इस तरह के हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि इन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है आइसो का मतलब ये होता है कि जब सारे कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन एक कंटिन्यूस चेन बनाता है तब उसके लिए हम आइसो का यूज करते हैं मतलब मतलब कुछ यूं जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो पहले वाले एग्जांपल में जो तीनों कार्बन है वो एक कंटिन्यूस चेन बना रहा था राइट एक कंटिन्यूस लाइन में था ठीक है लेकिन वहीं अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल पे फोकस करो तो उसमें क्या हो रहा है देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है Osionfish. ये 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 ऐसे तो ये तीनों सेम चेन में है लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन आ जा रहा है राइट right? तो अगर ब्रोमीन के नज़रिए से देखोगे तो भाई अगर ब्रोमीन देखेगा तो ब्रोमीन को लगेगा कि ये कार्बन और ये कार्बन जो है अगर साथ में है तो ये क्या है उल्टे डिरेक्शन में है उसी तरह अगर ब्रोमीन इस साइड देखेगा तो उसे लगेगा ये कार्बन और ये कार्बन कंटिन्यूस चेन में है ये वाला साइड में है राइट right? ब्रोमीन के नजरिए से देखना पड़ेगा कि भाई ब्रोमीन कहां पर लगा हुआ है है ना तो ब्रोमीन के नजरिए से अगर यहां पे देखो सो तीन में से एक कार्बन जो है कंटिन्यूएशन चेन में नहीं है कंटिन्यूस चेन का पार्ट नहीं है ठीक है तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं आइसो। तो इसक, इसे हम कह सकते हैं वेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट वन एक को छोड़ करके बाकी सारे कार्बन जब कंटिन्यूस चेन बनाते हैं ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं लेट अस सपोज कुछ इस तरह का है ठीक है इसका मतलब है ये जितने भी डॉट्स है ना इन सारे डॉट्स पे एक एक कार्बन लगा हुआ है तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो देखो एक दो तीन चार ये चार कार्बन कंटिन्यूअस चेन में है लेकिन ये पांचवा वाला क्या है उस कंटिन्यूस चेन का पार्ट नहीं है राइट right? तो यानी कि एक को छोड़ के बाकी सारे कंटिन्यूस चेन में है तो यहां पर आईसो यूज होगा ऐसे केसेस में उसी तरह बहुत बार आपको इस तरह का देखने को मिलेगा जैसे मान लो एक कार्बन है इससे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इधर जो है कुछ भी लगा हुआ है कुछ भी ग्रुप लगा हुआ है जैसे ये वाला केस यही वाला केस है देखो यहां पर अगर मान लो ब्रोमीन लगा होता तो ये वही पिक्चर है जो यहां पर है है कि नहीं तो यहां पर भी देखो इस ब्रोमीन के नजरिए से ये दो कार्बन अगर कंटिन्यूस चेन का पार्ट है तो ये तीसरा वाला उसका पार्ट नहीं है तो अब इस नॉलेज के साथ आप मुझे बताओ कि इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा क्या होगा है तो प्रोपाइल ग्रुप तो प्रोपाइल तो होगा ही ब्रोमीन है तो ऑब्वियसली ब्रोमाइड भी होगा बस फर्क क्या होगा ब्रोमीन की पोजीशन को नजर में रखते हुए हम यहां पे डाल देंगे आइसो तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल की तीसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है कितने कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है एक दो तीन चार यानी कि ये ब्यूटाइल ग्रुप है ठीक है ना तो आपके हिसाब से ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड होना चाहिए लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये चारों जो है ना ये एक चेन में नहीं है राइट मतलब अगर ये ऐसा होता अगर मान लो ये ऐसा होता एक दो तीन चार और इसी के साथ अगर ये लगा होता मतलब जैसे ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और बी आर अगर ये ऐसा होता तो उसका नाम होता बेशक उसका नाम होता ब्यूटाइल ब्रोमाइड ठीक है क्योंकि एक स्ट्रेट चेन में चार कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ लगा हुआ है ब्रोमीन बट यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर तो ब्रांचिंग है इसका मतलब सारे के सारे कार्बन जो है एक कंटिन्यूस चेन नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब पहले देखो कि भाई कितने कार्बन ऐसे हैं जो इस चेन के कंटिन्यूस जो इस कंटिन्यूस चेन का पार्ट नहीं है चार में से एक जो है वो कंटिन्यूस चेन का पार्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटिन्यूस चेन इसको मानूं, तो ये वाला चेन के बाहर है अगर मैं कंटिन्यूस चेन इसको मानूं, तो ये वाला चेन के बाहर है तो बोलने का मतलब है चाहे मैं कोई सा भी कंटिन्यूस चेन मानूं, एक कार्बन हमेशा उस चेन के बाहर है यानी कि यहां पर मैं कौन सा प्रिफिक्स लगाऊंगी आइसो तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ठीक है तो इस तरीके से हमने इन तीनों कंपाउंड्स का आई नेम भी लिखा और कॉमन नेम्स भी लिखा अब चूंकि हम यहां पर प्रीफिक्सेस की बात कर रहे थे तो आइसो के बारे में मैंने बता दिया कई बार आप देखोगे कि नियो प्रीफिक्स यूज होता है राइट नियो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है वेन ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट टू फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन मतलब जैसे यहां पर आइसो के केस में क्या होता है कि एक कार्बन को छोड़कर बाकी सब कंटिन्यूस चेन बनाते हैं नियो के केस में दो कार्बन को छोड़कर बाकी सब कंटिन्यूस चेन बनाते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहां पर कोई सा भी एक ग्रुप है ये कार्बन है अब यहां से लेट से तीन और कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से अब इस केस में आप देखोगे चाहे कोई सा भी चेन ले लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला चेन लोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन चेन के बाहर है अगर ये वाला चेन लोगे तो ये दोनों चेन के बाहर होगा राइट तो मतलब किसी भी पॉइंट पे एट अ टाइम दो कार्बन उस कंटिन्यूअस चेन से बाहर होंगे तो वैसे केसेस में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे नियो लेट मी ऑल्सो टेल यू ये आईसो नियो का यूज़ हम करते हैं कॉमन नेम्स में ही आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर में इनका यूज़ हम नहीं करते हैं तो चलो कुछ और कंपाउंडस के नामकरण किए जाए तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ढेर सारे बेंजीन रिंग्स जिसके ऊपर क्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ भी हम वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम करेंगे आई यू पी ए सी नेमिंग क्योंकि इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हैं उसके बाद करेंगे हम कॉमन नेम्स ठीक है तो जहां आई की बात आती है तो ये रिंग ये कौन सी रिंग है बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग रिंग है है में ये ग्रुप लगा हुआ है. तो इस एल्काइल ग्रुप के हिसाब से हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगे कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे सच दैट इस एलकाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले तो यहाँ पर तो भाई एक ही एलकाइल ग्रुप है इसका मतलब एलकाइल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसे हम पहला नंबर दे देते हैं दैट इज वन तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा वन क्लोरो अब चलते हैं दूसरे वाले कंपाउंड पे पर दो क्लोरीन लगे हुए हैं तो नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो दोनों ही क्लोरीन को जो भी मिनिमम पॉसिबल नंबर है वो असाइन हो <coughs> एक ऑप्शन है कि मैं नंबरिंग ऐसे करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो उस केस में एक क्लोरीन वन नंबर पे है और दूसरा फाइव नंबर पे है ठीक है दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं नंबरिंग ऐसे करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस केस में एक क्लोरीन वन नंबर पे है और दूसरा क्लोरीन तीन नंबर पे है तो ओवरऑल कौन सा मिनिमम नंबरिंग है ऑब्वियसली ये वाला मिनिमम नंबरिंग है तो मैं इसी नंबरिंग को फॉलो करूंगी है कि नहीं तो मैंने इसी नंबरिंग को फॉलो किया इस नंबरिंग के हिसाब से वन पे इस नंबरिंग के हिसाब से वन पे एक क्लोरीन है और थ्री पे भी एक क्लोरीन है तो इसका मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे इसे हम लिखेंगे वन कॉमा थ्री चूंकि दोनों में क्लोरो है तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो वन थ्री डाई क्लोरो बेंसिन तो ये हो जाएगा इसका आई यू पी एस सी नेम ठीक है अब चलो चलते हैं तीसरे वाले पे तीसरे वाले में भी एक बेंजीन रिंग है बट अब इसमें तीन क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसकी भी नंबरिंग देखनी पड़ेगी तो मान लो किसी एक क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे मैं नंबरिंग इस साइड से करूँ या इस साइड से करूँ दोनों ही तरफ मेरे क्लोरीन को वही नंबर्स मिलेंगे ठीक है चाहिए तो खुद करके देख लो तो अभी फिलहाल क्लोरीन क्रिस किस नंबर पे है वन पे है थ्री पे है और फाइव पे है तो इसका जो आई यू पी एस सी नेम होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वन थ्री फाइव वन थ्री और फाइव ये तीन पोजिशन पे क्लोरिन है यानी कि ट्राईक्लोरो लिखेंगे हम इसे ट्राई क्लोरो क्लोरोजिन तो इस तरीके से हो गई हमारी आई यूपीएस नेमिंग अब आते हैं कॉमन नेम्स पे कॉमन नेम्स की अगर बात करें तो जो पहला वाला है इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन ही होगा मतलब वन क्लोरोबेंजीन ठीक है तो इसका कॉमन नेम भी सेम होगा ठीक है दूसरे वाले पे चलते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा अब यहां पर आपने ऑर्थोमेटा पारा वाला आइसोमर का वो सुना होगा सुना ही होगा राइट ऑर्थो बोले तो जैसे मान लो अगर ये बेंजीन रिंग है तो जब ये दो पोजीशंस की हम बात करते हैं दैट इज़ ऑर्थो जब इस पोजीशन की और इस पोजीशन की इनके रिलेटिव में बात करते हैं देन दैट इज मेटा और जब हम इस पोजीशन की बात करते हैं दैट इज पारा तो इसे हम से डिनोट करते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा ठीक है ये तीनों आइसोमर्स हैं एज्यूमिंग कि इन सब का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है जस्ट इनके जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं ना उनकी पोजीशन अलग अलग है यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट है इस पोजीशन में है यहाँ पर इस पोजीशन में है और यहाँ पर इस पोजीशन में है तो जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है हम उसे ऑर्थो मेटा और पारा आइसोमर का नाम दे देते हैं ठीक है, ये समझ में आ गया ओके okay. अब देखो इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में एक क्लोरीन यहां पे है और दूसरा यहां पे है तो इससे अगर मैच करो तो ये कौन सा वाला फॉर्म है मेटा वाला फॉर्म है एब्सोल्युटली। तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे मेटा डाइक्लोरोजिन सिर्फ क्लोरोबेंजीन तो नहीं कह सकते क्योंकि दो क्लोरीन है राइट right? तो इसका जो कॉमन नेम है ये कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम ठीक है सो वी आर डन विथ दिस कंपाउंड अब देखते हैं तीसरे वाले को तीसरे वाले के केस में तीनों क्लोरीन लगे हुए हैं राइट right? तो इसे हम क्या कहेंगे ऑब्वियसली ट्राइक्लोरोबेंजीन तो कहेंगे ही बट उसके पहले हम लगा देंगे यहां पर सीमेट्रिक तो यहां पर ये जो हमने सिमेट्रिक लगा दिया ये हमें ये बता रहा है कि ये जो तीनों क्लोरो ग्रुप है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बेंजीन रिंग पर तो इस तरीके से हमने इन कंपाउंड्स का भी आईओपीएससी और कॉमन नेम्स दोनों लिख डाला तो चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर हमारी स्ट्रांग हो जाएगी है कि नहीं तो चलो देखो पहला कंपाउंड क्या है यहाँ पर चलो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मेरे से पहले खुद से इनके नाम लिख डालो ठीक है मैं तो खैर स्टेप बाय स्टेप ही कराऊंगी तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं ऐसे तो देखा जाए तो टोटल वन टोटल देखा जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे तो फाइव कार्बन है बट मुझे टोटल कार्बन से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में क्योंकि अभी फिलहाल मैं कर रही हूं आईयूपीएसी यूपीएसई नॉमिनक्लेचर ठीक है तो उसके लिए मुझे स्ट्रेट चेन चाहिए अब स्ट्रेट चेन देखो या तो ये वाली चेन ले लो या फिर ये वाली चेन ले लो या फिर ये वाली चेन ले लो बट कोई से भी चेन लोगे तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिर्फ तीन कार्बन का ही होगा तो हम कौन सा वाला चेन ले ऑब्वियसली हमें ऐसा चेन लेना पड़ेगा जिस चेन का पार्ट ब्रोमीन भी हो राइट तो इसीलिए मैंने लट से मैंने ये वाला चेन लिया ये ठीक है ये चेन ले लिया अब इस चेन की नंबरिंग ऐसे करनी होगी ताकि ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले तो चलो एक काम करते हैं ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग शुरू कर देते हैं वन टू थ्री ठीक है अब इस नंबरिंग के हिसाब से वन नंबर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप और दो नंबर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है एक मिथाइल एक और मिथाइल ठीक है मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा वन ब्रोमो टू पे मिथाइल नहीं डाई क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो यह हो जाएगा टू डाइ मिथाइल स्ट्रेट चेन कितने कार्बन का था तीन कार्बन का तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसीलिए प्रोपेन तो इसका आयुपीएस नेम हो जाएगा वन ब्रोमो टू डाई मिथाइल प्रोपेन ठीक है ओके अब चलते हैं दूसरे वाले कंपाउंड पे इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि कौन सा इसका स्ट्रेट चेन होगा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऊपर में साफ साफ दिख रहा है कि तीन कार्बन है अब नंबरिंग मैं चाहे इधर से करूं या उल्टे साइड से करूं क्लोरीन जो है वो हमेशा दो नंबर कार्बन पे ही आएगा है ना तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दो नंबर कार्बन पे एक क्लोरो ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो तीन कार्बन का चेन है तो ये भी हो जाएगा प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N, ये हो जाएगा टू क्लोरोप्रोपेन तो इस तरीके से हो गई हमारी आयु नेमिंग चलो अब बात करेंगे हम कॉमन नेम्स की कॉमन नेम्स की अगर बात करें तो ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो कितने टोटल कार्बन है इसमें एक दो तीन चार पांच तो यानी कि पेंटाइल ब्रोमाइड ऐसा सा कुछ होना चाहिए इसका नाम लेकिन क्या ये पूरा पेंटाइल एक स्ट्रेट चेन में है नहीं है कितने कार्बन के अलावा बाकी सब स्ट्रेट चेन में है अगर कोई सा भी स्ट्रेट चेन लो तो ये एक स्ट्रेट चेन में तीन ही कार्बन आएंगे यानी कि ऑल कार्बन एक्सेप्ट टू कंटिन्यूअस चेन तो ऐसे केस में हम कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था नियो एब्सोलूटली करेक्ट तो यहाँ पर हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे नियो, और, तो so और इसमें ब्रोमिन लगा हुआ है तो ब्रोमाइट इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइट अब चलते हैं दूसरे वाले में दूसरे वाले में क्या हो रहा है ये अलकाइल ग्रुप कितने कार्बन का है एक दो तीन यानी कि प्रोपाइल ग्रुप है प्रोपाइल क्लोराइड है लेकिन क्या ये प्रोपाइल ग्रुप तीनों के तीनों कार्बन सेम चेन में है कंसिडरिंग फ्रॉम क्लोरीन का परस्पेक्टिव क्लोरीन के परस्पेक्टिव से देखो तो ये दो अगर स्टेट चेन में है तो ये वाला कार्बन उस चेन के बाहर है राइट यानी कि एक्सेप्ट वन कार्बन बाकी सब स्ट्रेट चेन में है ठीक है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ठीक है बात समझ आई किस तरीके से कॉमन नेम्स भी हम लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के तो मुझे मेरे ख्याल से हमने काफी सारी चीजों को प्रैक्टिस किया हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है नॉमिनक्लेचर थोड़ी देर और करेंगे थोड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के साथ तो चलो बच्चों अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और टाइप के हेलाइड्स के बारे में जिन्हें हम कहते हैं एल्किलीन डाई हेलाइड्स तो बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं डाई हेलो एल्किस के बारे में जहां पर दो हेलोजेंस अटैच्ड हो एक ही स्ट्रक्चर में ठीक है, जैसे मान लो एक क्लोरीन अटैच है एक नहीं दो क्लोरीन है फ्लोरीन अटैच है एक नहीं दो ब्रोमिन अटैच है एक नहीं दो मतलब सेम टाइप का हेलोजेन जब दो अटैच्ड हो एक ही स्ट्रक्चर में तो उसे हम क्या कहते हैं डाई या फिर डाई हेलो ठीक है अब इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों हैलोजन हैं ये सेम कार्बन पे ही अटैच्ड है सेम कार्बन से लगे हुए हैं तो इस तरह के हैलाइड्स को हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड्स ये जेमिनल वर्ड आया कहाँ से तो लैटिन वर्ड होता है जेमिनाई जिसका मतलब होता है ट्विन्स ट्विन्स मतलब ट्विन्स जो है वो एक साथ ही आते हैं राइट एक जैसे होते हैं एक साथ आते हैं तो एक जैसे होते हैं दैट दो तो जोनो हैलोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है बिल्कुल एक जैसे हैं ट्विंस की तरह। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है जेमिनल हेलाइट ठीक है अगर ये जो दो एलोजन है ये दो अलग कार्बन से अटैच हो या फिर दो पड़ोसी कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं विसिनल हैलाइट्स विसिनल ये वर्ड कहाँ से आया विसिनिटी का मतलब क्या होता है आसपास नेबरहुड उसको हम विसिनिटी कहते हैं राइट तो उसी से समझ में आ रहा है नेबरहुड मतलब सेम कार्बन पे तो नहीं है लेकिन हाँ पड़ोस के कार्बन में लगा हुआ है राइट right, तो उसे हम कहते हैं विसिनल हेलाइट अब ये जो जेमिनल विसिनल हेलाइट ये जो टर्म्स है ये काम काम आएंगे काम आएंगे कॉमन नेम में क्योंकि IUPSC, के रूल्स तो फिक्स्ड हैं लेकिन जो कॉमन नेम्स हैं उनको हम कहां से कॉमन नेम्स आए थे तो वहां पर आप देखोगे कि इस तरह के टर्म्स यूज होंगे चलो देखें कुछ एग्जांपल्स तो प्यारे बच्चों अब स्क्रीन पर है कुछ डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स तो चलो इनका नामकरण कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल ठीक है तो यहां पर कितने कार्बन है हमारा आई यू पी एस सी का तो प्रोसेस वही रहेगा सबसे पहले हम आई यू पी एस सी नॉमिनक्लेचर देखेंगे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल सबसे पहले कार्बन चेन दो कार्बन का चेन है यहां पर कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे ताकि क्लोरीन को कम नंबर मिले यानी कि वन टू तो ये हो जाएगा वन क्लोरो प्राइमरी चेन में दो कार्बन है दो कार्बन का रूट वर्ड होता है इथ और यहां पर है डबल बॉन्ड इसीलिए हो जाएगा इन एन, एन जो है अब हटके इन हो गया तो ये हो जाएगा वन क्लोरो इथीन ठीक बहुत बढ़िया अब देखते हैं हम इसका कॉमन नेम इसका कॉमन नेम क्या होगा अब हम कॉमन नेम और ये साथ साथ करते चलेंगे ठीक है सो कॉमन नेम अगर नॉर्मली एल्काइल हेलाइड के केस में कैसा होता था इथाइल क्लोराइड इस तरह का होता था राइट यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो आइडियली ये होना क्या चाहिए इथीनील तो आइडियली ये कुछ ऐसा होना चाहिए इथीनील क्लोराइड बट कॉमन तौर पर इथीनील के जगह इथीनील समझ गए ना मतलब सी डबल बॉन्ड सी वाला जो एल्काइल ग्रुप है सो so कॉल्ड ये इथीनल को हम कॉमनली कहते हैं विनाइल तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड ठीक है विनाइल किसका नाम है विनाइल हम आमतौर पर इथीनील को कहते हैं ठीक है ओके चलो अब हम देखते हैं दूसरे कंपाउंड को सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू बी आर ठीक है ये तीन कार्बन वाला चेन है वन टू थ्री कार्बन है ठीक है अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे अब देखो नंबरिंग में एक तरफ तो ब्रोमीन है और दूसरे तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड है अब डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड को तो यानी कि नंबरिंग ऐसे डिरेक्शन से होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले ठीक है तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री तो ऐसे में देखो एक नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीन नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है ठीक है तो इसका आयु नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो तीन कार्बन का चेन है यानी कि प्रोप कितने पोजीशन पे इन है यानी कि डबल बॉन्ड है वन पोजीशन पे सो प्रॉप वन इन या फिर इसे हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं तो ये हो गया थ्री ब्रोमो प्रोपीन ठीक है अब इसी का कॉमन नेम देखेंगे कॉमन नेम क्या हो जाएगा ये ब्रोमाइड है तो जो दिख रहा है भाई उसको तो लिख लेते हैं साफ साफ ठीक है ये कौन सा वाला ग्रुप है ये प्रोपिनाइल ग्रुप है प्रोपिनाइल को कॉमन कॉमनली कहा जाता है एलाइल तो इसीलिए इसका कॉमन नेम होता है एलाइल ब्रोमाइड जैसे विनाइल हम कहते हैं इथिनिल को वैसे ही एलाइल हम कहते हैं प्रोपिनिल को ठीक है तो ये भी हो गया अब चलो चलते हैं तीसरे कंपाउंड पे विच इज सी एच टू सी एल टू तो यहां पर कार्बन एक ही है एक ही कार्बन है तो भाई चेन वैन ढूंढने की नंबरिंग का कोई लफड़ा ही नहीं है इसी कार्बन पे लगे हुए हैं कितने क्लोरीन दो क्लोरीन यानी कि डाइक्लोरो तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाइक्लोरो एक कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है मिथ। और यहां पर सिंगल बॉन्ड सी है तो ये हो जाएगा मीथेन तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन इसी कंपाउंड का अगर हम कॉमन नेम देखें कॉमन नेम जैसे ही मैं पूछूंगी तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड जो कि नहीं होगा मिथाइल क्लोराइड तब होता अगर यहाँ पर सी एच थ्री सी एल होता तब वो मिथाइल ग्रुप होता और एक क्लोरीन था तो क्लोराइड होता इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ मीथिलिन क्लोराइड अब चलते हैं चौथे कंपाउंड पे देखो कई बार ना इतने छोटे से कंपाउंड्स होते हैं और बड़े बड़े नॉर्मन प्रैक्टिस करते करते हम छोटे में ही गलती कर देते हैं ठीक है यहाँ पर भी देखो कितने कार्बन है एक ही कार्बन है तो चेन वेन का लफड़ा नहीं है एक ही कार्बन के साथ तीन क्लोरिन लगे हुए हैं तो यानी कि ये ट्राई क्लोरो है तो इसका आई पी नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एक कार्बन वाला कंपाउंड है मीथेन तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका कॉमन नेम क्या है पता है किसी को कॉमनली पता है हम ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या कहते हैं कॉमन नेम का मतलब ये होता है कि जिसके बहुत ज्यादा सेट रूल्स नहीं है तो यू कांट रियली आस्क व्हाई दिस नेम अब उस नेम को वही नाम रखा गया था उसका अब जैसे तुम्हारे निक नेम्स होते हैं अधिकतर निक नेम्स की कोई मीनिंग ही नहीं होती है राइट आजकल तो फिर भी लोग थोड़ा सोच समझ के निक नेम्स रखते हैं बट वन अदरवाइज तो कुछ भी निक नेम डाल देते हैं तो इट इज अमोट लाइक दिस तो सी एच सी एल थ्री को हम आमतौर पर कहते हैं क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म नाम तो सुना ही होगा राइट सो क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली सी एच सी एल थ्री विच इज ट्राइक्लोरोमीथेन ठीक है तो बच्चों इतने सारे प्रैक्टिस के बाद क्या लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है नॉमिनक्लेचर में कि हाँ ठीक है हालो हालो के नॉमिनक्लेचर वाला पार्ट तो एटलीस्ट हो जाएगा राइट चलो आगे बढ़े तो चलो देखें यहाँ पर कुछ रिंग वाले कंपाउंड्स भी हैं इनकी भी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए तो पहला कंपाउंड देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम आई यू पी ए सी की तो यहां पर हम फोकस किस पे करेंगे कार्बन चेन पे राइट तो यहां पर देखो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ इधर लगा हुआ है एक क्लोरो ग्रुप और इधर लगा हुआ है ये पूरा रिंग राइट तो इसे इसका नामकरण अगर मुझे करना हो एज पर आई तो मैं क्या कह सकती हूं क्लोरो फिनाइल मिथिन देख के थोड़ा अटपटा सा लग रहा है बट दैट इज वॉट इट्स नेम इज आई यू के हिसाब से हमारा फोकस किस पे रहेगा कार्बन चेन पे रहेगा तो उसके साथ क्या क्या लगा हुआ है क्लोरोफिनाइल तो इसीलिए नाम हो गया क्लोरोफिनाइल मिथेन लेकिन वही अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन तौर पर ये जो रिंग है विथ सी एच टू अटैच टू इट इसको हम कहते हैं बेनजाइल ठीक है बेंजीन से आया है ये वर्ड बेंजाइल तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड क्योंकि कॉमन नेम तो हम हमेशा एल्काइल क्लोराइड वाले फॉर्मेट में ही करने की कोशिश करते हैं तो उस फॉर्मेट के हिसाब से इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड अब चलते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले बात करेंगे आई की आयु में देखो यहां पर हम क्या करेंगे ये जो रिंग है इस रिंग के ऊपर जो कार्बन लगे हुए हैं उनका क्या करेंगे उनकी नंबरिंग करेंगे राइट right? तो चलो इस रिंग के ऊपर लगे कार्बन की नंबरिंग करते हैं कैसी होगी नंबरिंग इसकी देखो एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन यह है कि मैं नंबरिंग क्लोरो से स्टार्ट करूं दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं नंबरिंग सी एच थ्री से स्टार्ट करूं अब सोचो मिथाइल ग्रुप और क्लोरो ग्रुप में कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्लोरो ग्रुप की हेलो ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो प्रायोरिटी लिस्ट याद है ना जो हमने इलेवंथ की केमिस्ट्री में पढ़ी थी जब हम नॉमेन सीख रहे थे एग्जैक्टली exactly. तो वही लिस्ट के हिसाब से हम प्रायोरिटी देते हैं तो इसका मतलब यहाँ क्लोरो की प्रायोरिटी ज्यादा है तो भाई चलो नंबरिंग क्लोरो से शुरू करेंगे बट क्लोरो से शुरू करेंगे नंबरिंग ऐसे डायरेक्शन में करेंगे कि मिथाइल को जितना मिनिमम पॉसिबल नंबर हो उतना ही मिले तो अब देखो क्लोरो को अगर मैंने वन दिया मिथाइल को टू दे देते हैं दोनों खुश ठीक है ऐसे कर ली मैंने नंबरिंग तो इस नंबरिंग के हिसाब से ये हो जाएगा वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन तो ये हो गया इसका आई यू पी एस सी अब चलते हैं कॉमन नेम पे कॉमन नेम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम रखे गए हैं राइट डिफरेंट कंपाउंड्स के जैसे जब जैसे ही हम uh, बेंजीन रिंग के साथ ओ एच लगा देते हैं तो वो बन जाता है फेनॉल जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ हम सी एच थ्री लगा देते हैं तो वो बन जाता है टोलुविन ऐसे ही एनिलिन वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं ये तो यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग के साथ सी एच थ्री लगा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं टोलुविन ठीक है तो कॉमन नेम के हिसाब अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है मुझे टोलुविन दिख रहा है लेकिन इस टोलुविन में एक क्लोरो लगा हुआ है राइट right? तो इसका मतलब ये क्या है ये है क्लोरोटोलविन लेकिन कॉमन नेम में भी ये जरूरी है बताना कि भाई क्लोरो की पोजीशन क्या है कॉमन नेम में मैंने रिंग के ऊपर बताया था ऑर्थोमेटा पारा आइसोमर्स के बारे में अब देखो इस मिथाइल ग्रुप के हिसाब से जो क्लोरो का पोजीशन है बिल्कुल बगल वाला पोजीशन है ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है तो यानी कि ये कौन सा वाला पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुविन ठीक चलो आगे बढ़े तो चलो इन तीन स्ट्रक्चर्स का नामकरण कर देते हैं अगर इन तीनों का हमने सही सही नामकरण कर दिया इसका मतलब भाई तो हो चुका है क्रिस्टल क्लियर देखो क्योंकि तीनों का भी सिमिलर दिख रहा है अचानक से देखने लगेगा सेम चीजें बनी हुई है क्या बट एक्चुअली सेम चीजें है नहीं राइट तो चलो एक एक करके तीनों का देखेंगे पहले आई तो यहां पर हम बात करेंगे आई यूपीएससी नॉमिन की फॉर दीज थ्री कंपाउंड्स पहला कंपाउंड ये रहा सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कार्बन अब देखो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पर छिपा होता है एक कार्बन तो तीन तो ये हो गए एक ये हो गया एक ये हो गया तो मतलब टोटल पांच कार्बन है यहाँ पर ठीक है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर सब्सटीट्यूंट भी इंक्लूडेड हो तो सब्सटिट्यूएंट यहाँ पे ब्रोमिन है ठीक है लॉन्गेस्ट चेन एक दो तीन चार पाँच <coughs> पाँच कार्बन का ये चेन बन सकता है बिल्कुल बन सकता है प्रायोरिटी किसको मिलेगी इधर लगा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पर है डबल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में प्रायोरिटी किसको मिलती है डबल बॉन्ड को तो इसीलिए इसकी नंबरिंग शुरू होगी इधर से वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हो गई कार्बन की नंबरिंग अब देखो दो नंबर कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड और चार नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है ब्रोमीन ठीक है तो चलो नामकरण करते हैं इसका ये हो जाएगा फोर ब्रोमो ये हो जाएगा फोर ब्रोमो पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट डबल बॉन्ड है दो नंबर कार्बन के ऊपर तो पेंट टू इन ये हो जाएगा इसका आई यू नेम फोर ब्रोमो पेंट टू इन ठीक है चलो अब देखते हैं दूसरा वाला कंपाउंड यहां पर क्या है यहां पर पहले तो कार्बन कहाँ कहां है एक कार्बन यहां है एक कार्बन यहां है एक यहां है एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है ठीक है अब यहां पर भी मुझे लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकालेंगे एक दो तीन चार पांच का चेन यहां बन नहीं पाएगा देखो किसी भी हालत में ये पांचों कार्बन एक ही चेन के अंदर नहीं आ पाएंगे ठीक है तो मैंने ये वाला चेन कंसिडर किया ये चेन मैंने एज्यूम कर लिया अब इस चेन के नंबरिंग के से होगी वन टू थ्री फोर ऐसे होगी या वन टू थ्री फोर ऐसे होगी किसको प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को तो इसीलिए ऊपर की साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी अब देखो क्या क्या लगा हुआ है दो नंबर कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है तो चलो अब देखते हैं दूसरे कंपाउंड को तो यहाँ पर कितने कार्बन है सबसे पहले ये देखो एक कार्बन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ ठीक है, ऐसे तो पांच कार्बन है बट जब इसका हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो पांचों कार्बन के साथ लॉन्गेस्ट चेन हमें नहीं मिलेगा ठीक है तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो और जिसके अंदर ब्रोमीन भी इंक्लूडेड हो तो यानी कि ये दोनों कार्बन का होना तो मस्ट है एक दो तीन चार यही चेन हमें लेना पड़ेगा ये वाला चेन ठीक है तो इसका मतलब इसकी नंबरिंग किधर से होगी एक ऑप्शन है वन टू थ्री फोर एक ऑप्शन है वन टू थ्री फोर नंबरिंग ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को ब्रोमीन से ज्यादा प्रायोरिटी मिले तो हम डबल बॉन्ड वाले साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरी नंबरिंग कुछ ऐसे होगी वन टू थ्री फोर अब इस नंबरिंग के हिसाब से देखो दो नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप तीन नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप ठीक है तो अब इसका नामकरण कैसा होगा तो इसका नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो टू मिथाइल जो मेरा बेस चेन है उसमें कितने कार्बन है एक दो तीन चार तो यानी कि ब्यूट कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है फर्स्ट नंबर कार्बन पे सो ब्यूट वन इन या फिर इसे ब्यूटीन भी लिख सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूट वन इन अब देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे थे दूर से बट एक्चुअली सेम थे नहीं क्योंकि देखो इनके मिथाइल ग्रुप्स की पोजिशन अलग थी है ना ओके okay. अब चलते हैं तीसरे वाले पे तीसरे वाले पे पहले तो कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ है, है? यहाँ एक कार्बन है 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 ठीक है टोटल छः कार्बन है बट हमारा फोकस किसपे है लॉन्ग चेन में लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा है कि नहीं तो लॉन्गेस्ट चेन देखो कैसे बन सकता है एक दो तीन चार पांच, <coughs> ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है बिल्कुल बन सकता है क्योंकि इस चेन के अंदर जो है ना आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चेन इस चेन के अंदर देखो डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है और जो ब्रोमीन ग्रुप है वो भी आ जा रहा है ठीक है ओके तो चलो इसी को चेन मान लेते हैं और इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं नंबरिंग ऊपर से करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिले तो नंबरिंग हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो तीन नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है चार नंबर कार्बन पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल अब जो मेरा बेस है मतलब जो प्राइमरी चेन है दैट इज पांच कार्बन का चेन पांच के लिए हम यूज करते हैं पेंट डबल बॉन्ड कितने वाले कार्बन पे है दो नंबर कार्बन पे यानी कि पेंट टू इन तो इसका नाम हो गया फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंट टू इन तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री कि ये जो एक्सरसाइज था ये जो तीन थे हमारे स्ट्रक्चर्स इनका आई यू प्रैक्टिस करना वॉज डेफिनेटली वर्थ इट एंड आई एम होपिंग कि आप लोग सभी मेरे साथ साथ ये सारे आई यू नेमिंग कर रहे हो तो बच्चा पार्टी अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हो तैयार फटाफट से बताओ क्या सभी लोग तैयार हो थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अरे वाह तो देर किस बात की चलो पेन और पेपर लेके तैयार रहो और लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों देखिये क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग हेलाइड अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी सिस्टम इनका आई यू पी एस सी नेम लिखना है हमें एंड क्लासिफाई देम एज एलकाइल एलाइल बेंजाइल विनाइल और एराइल हेलाइड अभी अभी हमने हर टाइप के हेलाइड्स की बातें की राइट तो अब हमें यहाँ पे पहले तो इनका आयू पी एस सी नाम लिखना है और फिर बताना है कि ये किस कैटेगरी का हेलाइड है एलकाइल हेलाइड है एराइल हेलाइड है बेंजाइल हेलाइड है कौन सा हेलाइड है ठीक है तो चलो एक एक करके तीनों ट्राई करेंगे सबसे पहले, पहले पहला बारे. जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया हो चीजों को अपने लिए सिंपल बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर खुद एक बार फिर से बना लो ठीक है तो मैं वही करूंगी अभी CH3 CH डबल बॉन्ड C उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोरीन लिखा हुआ है यानी कि इस C के साथ क्लोरीन लगा हुआ है उसके बाद CH2 CH और फिर <coughs> फिर सी एच के बाद देखो सी एच थ्री जो है वो ब्रैकेट के अंदर है यानी कि इस सी एच के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ठीक है ठेके? तो मुझे इसका नामकरण करना है कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है कार्बन चेन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और उसके अंदर ये क्लोरीन वाला कार्बन भी मिस ना हो ठीक है ओके कैसे निकाल सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या तो हम इसको इंक्लूड करेंगे या फिर हम यूं इसको इंक्लूड करेंगे बट एनीवेज हमारे पास छः कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है अब इन कार्बन की नंबरिंग करनी है नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले सो कीपिंग दैट इन माइंड हम नंबरिंग इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस नंबरिंग के हिसाब से दो नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तीन नंबर कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है और पांच नंबर कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप है ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा थ्री क्लोरो फाइव मिथाइल जो मेन हमारा रूट है उसमें कितने कार्बन है छे कार्बन छे कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है हेक्स इन डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है दो नंबर कार्बन पे यानी कि हेक्स टू इन ठीक है तो ये तो नेम -E हो गया अब ये ये बताओ कि ये किस कैटेगरी का हेलाइड है अब ये है तो क्लोराइड हमें दिख रहा है राइट अब किसका क्लोराइड है अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है डबल <coughs> बॉन्ड वाले एल्कीन का क्लोराइड है तो उसको हम कौन से कैटेगरी में फॉल करा सकते हैं बताओ इसको हम फॉल करा सकते हैं यहां पे जितने भी दिए हुए हैं इनमें से कौन से कैटेगरी में इसको फॉल करा सकते हैं हम चूंकि ये इन है डबल बॉन्ड वाला क्लोराइड है तो इसको हम फॉल करा सकते हैं विनाइल क्लोराइड के कैटेगरी में ठीक है तो ये किस तरह का हेलाइड है ये विनाइल हेलाइड है ठीक है तो ये तो हमारा पहला वाला हो गया सेकेंड वाला ट्राई करते हैं सेकेंड वाला कह रहा है पैरा सी एल सी सिक्स एच फोर सी सिक्स एच फोर क्या होता है सी सिक्स एच फोर रिंग बनाना पड़ेगा एब्सोल्यूटली सी सिक्स एच सिक्स इज बेंजीन ठीक है तो चलो इसका रिंग बना लेते हैं रिंग बना लिया रिंग में क्या कहा जा रहा है पैरा पोजीशन पे है क्लोरीन और दूसरे वाले पैरा मतलब ये कि ये दोनों ऑपोजिट एंड्स द पैरा आइसोमर राइट तो पैरा वाले पोजीशन पे क्या है सी एच टू सी एच सी एच थ्री होल टू यानी कि दो सी एच थ्री के ग्रुप्स इस तरीके से लगे हुए हैं तो ये स्ट्रक्चर है अब इस स्ट्रक्चर का तुम्हें नेमिंग करना है ठीक है तो नेमिंग जब भी करते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं जितने भी कार्बन उस रिंग में है उनका नंबरिंग करते हैं नंबरिंग के लिए जानना जरूरी है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर एक तो इधर ये क्लोरो ग्रुप है और एक तो इधर ये वाला पूरा बड़ा सा एक अल्काइल ग्रुप है अब इन दोनों में से क्लोरो ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसीलिए नंबरिंग हम क्लोरो वाले साइड से स्टार्ट कर देते हैं सो लेट से दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो अब मुझे पता है कि वन पोजीशन पे क्लोरो है और फोर पोजीशन पे ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है ठीक है अब इस एल्काइल ग्रुप को हम कैसे बताएंगे कि भाई ये कौन सा ग्रुप है राइट तो इसके लिए इस छोटे से यूनिट को भी हमें अलग से कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है अब इस अंदर वाले ग्रुप पे फोकस करो इस अंदर वाले ग्रुप पे ये कार्बन तो भाई मेरा एकदम हीरो कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो इस कार्बन को कंसिडर करते हुए कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा अंदर अभी बाहर का भूल जाओ सिर्फ इस रेड वाले के अंदर फोकस करो ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूँ सो दिस इज वन टू थ्री तो उस केस में ये टू वाले पोजिशन पे यहाँ पर लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप ठीक है तो मतलब ये जो मेरा अल्काइल ग्रुप है इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है बेसिकली इस एल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा टू मिथाइल और ये मेन चेन तीन कार्बन का है दैट इज प्रोपाइल सो so, टू मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है ये तो इस एलकाइल ग्रुप का नाम पता चल गया दिस इज टू मिथाइल प्रोपाइल तो कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा रहे अंदर तो वो अंदर वाले एलकाइल ग्रुप का नाम अलग से पहले लिख लो जो कि हमने ऐसा किया तो ये टू मिथाइल प्रोपाइल सिर्फ इसका नाम है ठीक है तो चलो अब इस पूरे कंपाउंड का नेमिंग करते हैं अब पूरे कंपाउंड में मुझे दिख रहा है वन पोजिशन पे है क्लोरो और फोर पोजिशन पे है ये टू मिथाइल प्रोपाइल ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो फोर ब्रैकेट में डाल देंगे टू मिथाइल प्रोपाइल और ये मेन रिंग क्या है बेंजीन तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम वन क्लोरो फोर टू मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन ठीक है तो आई नेमिंग में हम बिल्कुल अपना जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करेंगे अब बताओ ये किस कैटेगरी का हेलाइड है देखो ऑब्वियसली बात है कि ये एल्काइल हेलाइड तो नहीं है ठीक है ये एलाइल हेलाइड भी नहीं है ये विनाइल हेलाइड तो नहीं है तो बचा ऑप्शन बेंजाइल हेलाइड का और एराइल हेलाइड का एराइल हेलाइड, हेलाइड कौन सा वाला हेलाइड होता है जिसमें हेलोजन जो है वो बताओ वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है ठीक है और बेंजाइल एलाइड क्या होता है जिसमें हेलोजन जो है वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है यहाँ पर देखो जो हैलोजन है मेरा क्लोरीन ये किसके साथ अटैच्ड है क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैचड है और ये वाला कार्बन इधर क्लोरीन से अटैचड है इधर इस कार्बन से अटैच्ड है इधर इस कार्बन से अटैच्ड है चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जा रही है तो कार्बन तीन बंदों से जुड़ा हुआ है यानी कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज एस टू तो क्लोरीन यहाँ एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी कि ये किस तरह का हेलाइड है ये एराइल हेलाइड है तो बच्चों अब बचा हमारा तीसरा वाला एग्जाम्पल सो डू यू थिंक दैट यू वुड लाइक टू ट्राई इट ऑन योर ओन इफ yes, प्लीज गो ahead एंड ट्राई तो ये तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसको आप खुद से ट्राई करो दिस इज ऑर्थो bromine C6H4 CH एच फोर सी एच ब्रैकेट में सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सबसे पहले खुद का स्ट्रक्चर बनाओ खुद का मतलब अपना नहीं इसका इसका स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ एंड देन इसका नेमिंग करो फिर फाइंड आउट करो कि जो ग्रुप है दैट इज ब्रोमीन इन दिस केस वो कौन से वाले कार्बन से अटैच है एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन या एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेस्ड ऑन दैट आप बता सकते हो कि वो बेंजाइल बेन्लाइड है या एराइल हेलाइड तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन तो इसको आप खुद से ट्राई करो कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बता सकते हो ठीक है तो चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें उल उलट गई हैं अब तक क्या था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ होता था हमें उसका नामकरण करना होता था अब हमें नाम दिया हुआ है और हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है तो चलो देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं तो पहला कंपाउंड है टू क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन तो जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है ना तो आप नाम के लास्ट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो पेंटेन यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो बेस जो चेन है स्ट्रेट चेन वो पांच कार्बन का है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तभी तो पेंटेन है राइट तो सबसे पहले वो बना लेंगे हम एक दो तीन चार पाँच पांच कार्बन का एक स्ट्रेट चेन पेंटेन हो गया अब इस पेंटेन के अंदर क्या है टू क्लोरो थ्री मिथाइल यानी कि दो नंबर वाले कार्बन पे क्या है क्लोरो और तीन नंबर वाले कार्बन पे क्या है मिथाइल यहां तक बना लेंगे हम आसान है अब इसके बाद क्या करना है सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है भाई कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी होती है फोर ठीक है तो यहां कार्बन एक इस कार्बन के साथ बना रहा है बाकी बचा तीन तो वो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो सी एच थ्री ये वाला कार्बन तीन ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ एक और बचा हुआ है जो वो एच के साथ बनाएगा इस कार्बन की बात करें तो ये तीन के साथ बना रहा है एक बचा हुआ है जो एच के साथ बना लेगा इस कार्बन की बात करें तो दो बॉन्ड बना रहा है दो बचा हुआ है जो दो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा फाइनली इस कार्बन का कितना बचा हुआ है एक ही बॉन्ड बना रहा है बाकी तीनों बचे हुए हैं तो यहां पे H3 हो जाएगा थ्री मिथाइल पेंटेन ठीक है अब चलो देखते हैं दूसरा पैरा ब्रोमो -क्लोरो बेंजीन इसका भी सबसे पहले लास्ट पे फोकस करो बेंजीन ठीक है बेंजीन है तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं बेंजीन रिंग बना लिया अब ये बोल रहा है पैरा यानी कि पैरा वाले पोजीशंस कौन कौन से होते हैं अगर एक यहां पर है तो दूसरा यहां पे होगा पैरा पोजीशंस पे क्या क्या है ब्रोमो क्लोरो मतलब अगर एक तरफ ब्रोमो है तो दूसरी तरफ क्लोरो है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं था इनफैक्ट नेमिंग करने से ज्यादा आसान तो यही था राइट right? कि नाम दिया हुआ है और बस स्ट्रक्चर बनाना है तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम कार्बन हाइलोजन बॉन्ड के बारे में ठीक है भाई आल, हेलो हेलो का स्ट्रक्चर तो मोर समझ में आ गया बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन और हेलोजेन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ठीक है क्या अलग होता है इस बॉन्ड में यार देखो पहले तो क्या था कि कार्बन जो है कि वही हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा था अब उस हाइड्रोजन को किक मार के भगा दिया गया और वो जगह ले लिया हैलोजेन ने हमें पता है अगर हम पीरियोडिक टेबल को दिमाग में याद करें तो हमें यह पता है कि जो होते हैं वो बाई डिफॉल्ट कार्बन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है है ये तो हमारी बेसिक्स कहती है, है ना याद है वो मैंने बताया था कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं बॉन्ड क्यों बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है लेकिन अगर इन दोनों में से एक ज्यादा पावरफुल हो तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा थोड़ा सा है ना तो वैसा ही कुछ यहां होता है एक कार्बन है दूसरा हेलोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हेलोजन की तरफ जाता है इसका मतलब है हेलोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है राइट अब जहां एक साइड ज्यादा पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव तो वो बॉन्ड कैसा हो गया बॉन्ड पोलराइज हो गया सो दैट इज द रीजन वी से कि कार्बन हाइलोजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज पोलराइज इन नेचर अब बात करते हैं कि भाई ये जो हैलोजन हेलोजन हम बोल रहे हैं ये हेलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है आयोडीन भी हो सकता है राइट और हमें अगेन पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है साइज बढ़ता है तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन क्लोरीन से ब्रोमीन ब्रोमीन से आयोडीन तक जाते हैं तो साइज बढ़ेगा यानी कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा राइट right? अब आप खुद इमेजिन करो कि अब मेरा जो कार्बन है वो जैसे जैसे बड़े साइज के आटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड का लेंथ है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा जाहिर सी बात है तो इसीलिए कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है और कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज होता जाता है इनफैक्ट अगर डेटा के साथ देखना है तो आप देख सकते हो इस टेबल में कि जो नंबर्स है जो बॉन्ड लेंथ डिनोट करती है वो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं कैसे बनाते हैं हम हेलो एल्केन्स ठीक है बहुत सारे प्रोसेस की बात करेंगे हम लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि हेलो एल्केन्स को हम किस-किस चीज से बना सकते हैं हम एल्केन से बना सकते हैं एल्कीन से बना सकते हैं अल्कोहल से बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं राइट right. तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे वन आफ्टर अनादर तो चलो देखें तो चलो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि एल्केन से कैसे बनाते हैं हम हेलो एल्केन्स तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे होता क्या है तो बेसिकली हम एल्केन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक हेलोजेन को ठीक है और वो हैलोजेन क्या करता है एल्केन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को किक मार के भगाता है और उसकी जगह खुद ले लेता है एंड दैट्स हाउ वी गेट हैलो एल्किल्काइल हेलाइड ओके अब यहां पर ना एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है ना ये चलते ही रहता है मतलब हेलोजन जो है ये हाइड्रोजन को तब तक भगाते रहता है जब तक उस एल्केन में जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हेलोजन से रिप्लेस ना हो जाए ना दैट इज समथिंग वी डोंट वॉन्ट ठीक है जैसे मान लो कि मेरे पास लेट्स मीथेन है मैंने मीथेन को हेलोजन से रिएक्ट कराया लेट से क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को भगाया तो क्या बना दिया सी एच थ्री सी एल ठीक है अब मुझे सी एच थ्री सी एल ही चाहिए ठीक है लेकिन हो क्या रहा है और होते जा रहा है रिएक्शन मतलब Cl ने फिर से एक हाइड्रोजन को भगा दिया तो सी एच टू सी एल टू बन गया फिर से एक हाइड्रोजन को भगा दिया तो सी एच सी एल थ्री बन गया फिर से एक को भगा दिया तो सी सी एल फोर बना गया लेकिन भाई मुझे इतने सारे सब्सटीट्यूशन चाहिए ही नहीं मुझे तो सी एच थ्री सी एल ही चाहिए था राइट right? इसीलिए ये जो फर्दर सब्सटीट्यूशन हैं ये ना हो इनको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो एल्केन हम लेते हैं वो एक्सेस में लेते हैं तो एल्केन खूब सारा होता है और हेलोजेन उसके मुकाबले कम होता है इससे क्या होता है कि एक बार सब्सटीट्यूट हो जाने के बाद मतलब मोनो सब्सटीट्यूशन के बाद टेट्रा वाला सिचुएशन नहीं आता है अब अगर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है या फिर सनलाइट में होता है अगर इस रिएक्शन को और बारीकी से देखें सो दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का अगर आप मेकैनिजम देखोगे कि भाई अंदर बारीकी से देखोगे कि क्या क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे तो चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं डिटेल में तो अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि इस, ये जो मैकेनिज्म है दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब देखो इस मैकेनिज्म से अगर किसी भी रिएक्शन को होना है तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है सबसे पहले हमें फ्री रेडिकल चाहिए फ्री रेडिकल कहां से आएगा यहां पर कौन सी चीज फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा चलो देखें तो हमारा इस मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होगा जिसे हम अक्सर कहते हैं इनिशिएशन मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है जो इस पूरे रिएक्शन को इनिशिएट करेगा रिएक्शन को शुरुआत करवाएगा ठीक है तो इस इनिशिएशन वाले पार्ट में हम देखेंगे जो हमारा क्लोरीन है Cl2 ठीक है Cl2 जो है ये सी क्या करता है सी एल टू ये जो बना है कैसे बना है इस बॉन्ड में बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन है एक इस क्लोरीन ने दिया है एक इस क्लोरीन ने दिया है लेकिन यही जब स्प्लिट कर जाते हैं जैसे वो नहीं होता है कि मान लो हम दो लोगों में दोस्ती हुई ठीक है राम और श्याम में दोस्ती हुई राम ने अपना एक हाथ बढ़ाया श्याम ने अपना एक हाथ बढ़ाया उनकी दोस्ती हुई अब जैसे ही कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशनस आ गए कि भाई लड़ाई हो गई राम ने अपना हाथ वापस ले लिया श्याम ने भी अपना हाथ वापस ले लिया तो वैसी कोई स्प्लिटिंग यहां पे हो रही है जब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे ना ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले करके अलग हो गए तो ऐसे टाइम पर क्या बना क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना राइट ये पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं है ये नेगेटिवली चार्ज भी नहीं है इसीलिए यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहे यहां पर हम फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा इनिशिएशन हो रहा है ठीक है अब देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है अब हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है हम एक एल्केन लेते हैं एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसके साथ हम हैलोजेन को रिएक्ट कराते हैं तो हेलोजेन अभी यहां पर हमारा क्या है क्लोरीन है अब लेट से हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं विच इज चेन प्रोपगेशन अब ये टर्म्स आप याद रखो ना रखो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया लगे कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है इंटरनली ठीक है अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि भाई जो भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है उसको पिक्चर में लेके आओ तो यहां पर एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं विच इज मीथेन ठीक है तो मान लो हमने मीथेन लिया विच इज सी ठीक है अब ये मीथेन के साथ जब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा तो ये क्या करता है इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल फेंकता है ठीक है ये खींच लेता है एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ ठीक है उसकी वजह से यहां बनता क्या है तो ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन क्या किया ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया ठीक है तो क्लोरी ये कार्बन जो था इसके पास सिर्फ अपना वाला इलेक्ट्रॉन बचा ठीक है अच्छा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और फिर ये किसके साथ मिला सीएल के साथ तो सीएल ने और एच ने बोला कि यार हाइड्रोजन ने बोला यार मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने बोला मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है चलो बॉन्ड बना लेते हैं तो वो जो H और ये Cl था इन्होंने मिल करके इधर बना लिया HCl, ठीक है बट इस प्रोसेस के दौरान इस स्टेप के दौरान हमें क्या मिला हमें यहां पर मिल गया एक फ्री रेडिकल ठीक है अब इस फ्री रेडिकल के अंदर जैसे जैसे हम और क्लोरीन डालते चले जाते हैं तो क्या होते जाता है क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बना देता है क्लोरोमीथेन एब्सोल्यूटली जब इसी के साथ हम जोड़ते चले जाएंगे और क्लोरीन ठीक है क्योंकि वो और क्लोरीन जो भी आप जोड़ोगे वो क्लोरीन भी ऐसे ही स्प्लिट होके क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनाएंगे वो क्लोरीन का रेडिकल इस मिथाइल के रेडिकल के साथ मिला के हमें क्या दे देगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज सी एच थ्री सी एल विच इज मिथाइल क्लोराइड ठीक है इस तरीके से ये बनता है मोर लेस अब मान लो जैसे हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें विच इज नॉर्मली टर्मिनेशन मतलब भाई अब रिएक्शन इनिशिएट किया है तो रिएक्शन को कहीं ना कहीं जाके खत्म भी तो होना है ऐसे ही वो रिएक्शन हमेशा चलते तो नहीं रह सकता है तो टर्मिनेशन के दौरान होता कुछ यूं है जितने भी फ्री रेडिकल्स इस पूरे रिएक्शन के दौरान बन रहे होते हैं उनका कॉम्बिनेशन हो रहा होता है उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरीन के रेडिकल्स बन रहे थे वो आपस में जुड़ करके सीएल टू बना लेते हैं जो मिथाइल के रेडिकल्स बन रहे थे वो क्लोरीन के रेडिकल के साथ जुड़ करके बना लेते हैं मिथाइल क्लोराइड इनफैक्ट कुछ मिथाइल क्लोराइड वाले जो रेडिकल्स हैं ये आपस में भी जुड़ करके बना लेते हैं इथेन अब आप बोलोगे कि, कि मैम ये तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है अब ठीक है ये बनता है वो समझ में आता है क्योंकि ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है विच इज मिथाइल क्लोराइड इस प्रोसेस के दौरान बट ईथेन, वेल well, ईथेन जो है एक साइड प्रोडक्ट की तरह बनता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी सो इसको हम इतना फोकस में लेके नहीं आते हैं ठीक है सो so, ओवरऑल कुछ इस तरीके से फ्री हेलोजी फ्री रेडिकल हेलोजीनेशन का मैकेनिज्म चलता रहता है ठीक है बट ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो मेरा नेट रिएक्शन होता है वो नेट रिएक्शन कैसा होता है तो अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं तो नेट रिएक्शन कुछ ऐसा होता है मीथेन जो है इसके साथ जब हम सी एल टू एड करते हैं तो इसका क्लोरीनेशन हो रहा है राइट तो क्या होगा एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके उसकी जगह ले लेता है क्लोरीन और साथ में यहाँ निकल जाता है एच जिस हाइड्रोजन को यहाँ से भगाया गया है जैसे मैंने ये इस स्टेप में बताया राइट कि ये रेडिकल बना लेता है और जो दूसरा हाइड्रोजन निकला वो इधर एच बना लेता है ठीक है तो ये मेरा नेट रिएक्शन इस प्रोसेस के दौरान होता है अब बच्चों यहाँ पर ये जो हमने साइड प्रोडक्ट लिखा है ना एच सी एल इस पर ज़रा सा ध्यान रखना क्योंकि जैसे ही हम क्लोरीन की जगह मान लो ब्रोमीन ऐड करेंगे इस प्रोसेस के दौरान तो वहाँ पर मुझे एच मिलेगा अगर आयोडीन ऐड करेंगे तो वहाँ पर एच मिलेगा तो चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जब हम हायर एल्केन्स के साथ हेलोजिनेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लेट्स ब्यूटेन की ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं इट तो ब्यूटेन के साथ जब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं लेट्स सपोज अभी मैं क्लोरिनेशन की बात करती हूं तो मुझे एक मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर वन क्लोरोब्यूटेन भी होता है और टू क्लोरोब्यूटेन भी होता है राइट right? तो so, मतलब इन दोनों चीजों का एक ऐसा मिक्सचर मिलता है जिन्हें सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है दे आर नॉट ईजी टू बी सेपरेटेड ठीक है अगर आप देखो तो वन क्लोरोब्यूटेन और टू क्लोरोब्यूटेन ये क्या है दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं सो बेसिकली दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस पूरे हेलोजिनेशन प्रोसेस के साथ कि हेलोजिनेशन ऑफ से जो हमें हेलो एल्केन्स मिलते हैं हमें जनरली उनके आइसोमर्स का मिक्सचर मिलता है विच आर नॉट वेरी इजी टू सेपरेट दूसरी दिक्कत इस प्रोसेस के साथ ये भी है कि चांसेस ऑफ पॉली हेलोजिनेशन इज वेरी हाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हालांकि हम कोशिश यही करते हैं कि भाई हम एल्केन को एक्सेस में लें ताकि पॉली हेलोजिनेशन को थोड़ा कम कर सके बट स्टिल वो रिस्क यहाँ पे रहता ही है और ये दो ऐसे यू uh, कैन से कौन से जिसकी वजह से एल्काइल हेलाइट के प्रिपरेशन के लिए हेलोजिनेशन का ये जो प्रोसेस है ऑफ एल्केन्स दैट इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड इन लेबोरेटरी तो बच्चा पार्टी चलो अब देखते हैं कि हम एलकाइल एलाइट कैसे बना सकते हैं फ्रॉम एल्किन्स तो एल्किन्स के हम दो डिफरेंट वेज को यहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है पहला तरीका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स मतलब एल्किन्स के साथ हम हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर देंगे यानी कि एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड इनको ऐड कर देंगे हम एल्किन्स के साथ दूसरा तरीका है एडिशन ऑफ हैलोजेंस डायरेक्टली हम इनके साथ क्लोरीन ब्रोमीन जैसे हैलोजन्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे ठीक है तो चलो दोनों मेथड्स को देखेंगे वन आफ्टर अनादर तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे एक एल्खीन लेंगे तो चलो एक सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है उसी से शुरुआत करते हैं तो सबसे सिंपल जो एल्खीन है हमारे पास दैट इज़ इथीन जिसके अंदर दो कार्बन है ठीक है सी ये हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन है तो सी टू एच फोर के साथ हम रिएक्ट करवा देंगे एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन एलाइड ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है ठीक है अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि C डबल बॉन्ड C जो है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और उस C के साथ लग जाता है एक हैलोजन यानी कि X चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो तो इस तरीके से हमें एक एल्काइल हेलाइड मिल जाता है अब इस रिएक्शन को देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बट सिचुएशन जो है ना इतना सिंपल नहीं रहता है जब हम एक हाइयर एल्कीन को लेते हैं ठीक है तो चलो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी तो समझना जरूरी है सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ द सेम रिएक्शन विथ प्रोपीन यानी कि तीन कार्बन वाला एल्कीन तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रोपीन का रिएक्शन ठीक है तो डिस्कशन हमारा वही चल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स तो यहां पर जो एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड ठीक है हाइड्रोजन एक कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड लेना था मान लो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया और यहां पर हम देखेंगे किसका रिएक्शन प्रोपीन का रिएक्शन ठीक है तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है ये प्रोपीन है तीन कार्बन वाला विथ डबल बॉन्ड इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को तो हमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है हमें मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स मिलता है मतलब हमें बेसिकली दो चीजें मिलती हैं क्या क्या मिलता है एक तो हमें मिलता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आई और दूसरा हमें मिलता है CH3, <coughs> CH I CH3 तो हमें ये दो चीजें मिलती हैं प्रोपीन के रिएक्शन के दौरान इसीलिए मैंने बोला था कि इथिन वाला रिएक्शन वो सिंपलर बट प्रोपीन के केस में ना ये आयोडाइड ग्रुप जो है ये चाहे तो ये लास्ट वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता है चाहे तो बीच वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता है राइट बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है concept ये है कि ये जो दोनों चीजें मिलती है ऐसे तो दोनों चीजें मिलती है, बट इसमें से एक होता है, दूसरा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है तो इसका जवाब है रूल हमने क्लास इलेवंथ की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था घबराओ नहीं यहां पर भी समझाऊंगी ठीक है तो ये इसका जवाब देता है मार्कॉनिक ऑफ रूल ठीक है तो कितने बच्चों को याद है वॉट इज मार्कॉनिक ऑफ रूल अगर याद है तो मतलब आई एम टोटली इंप्रेस्ड ठीक है याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं देखो मार्कॉनिक ऑफ रूल ये स्टेट करता था दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एडेंडम मतलब एडिंग मॉलिक्यूल ठीक है गेट्स अटैच टू दैट कार्बन एटम विच पोजेसेज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मतलब मार्कोनिकोफ रूल ये बोलता था कि जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है जैसे मान लो यहाँ पर एच आई है एच आई कैसे टूटता है एच प्लस आई माइनस ठीक है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि आई माइनस ये आई जाके ऐसे कार्बन के साथ जुड़ना प्रेफर करेगा जिसके साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ठीक है तो मतलब यहां पे देखो अगर पहला केस देखो तो यहां पर आयोडीन जो है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है ये दूसरे वाले प्रोडक्ट में आयोडीन जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है तो मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से कौन सा वाला प्रेफर्ड होगा ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन वाला ही प्रेफर्ड होगा तो यानी कि मार्कोनिक रूल के हिसाब से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा ठीक है बात समझ में आई तो यही इसी कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रही थी अब ये तो समझ में आ गया कि भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है लेकिन इसके पीछे का जो क्यों है वो शायद अभी भी समझ में ना आया हो कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ कि ये जो मार्कोनिकॉफ ने बोला कि भाई जिसके साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वही वाला मेजर प्रोडक्ट होगा बट ऐसा क्यों तो चलो उस क्यों का भी आंसर देते हैं बाई अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिजम ऑफ दिस रिएक्शन तो बच्चों इस कहानी की शुरुआत हुई थी एच से ठीक है, है? तो इस एच से हमें मिलता है एच प्लस हमें मिल सकता है I माइनस अब ये जो H प्लस है ये किसकी तरह बिहेव करता है ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन लविंग जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है इलेक्ट्रॉन किसे पसंद होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज होगा खुद उसे ही इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे तो देखो H प्लस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ठीक है अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक कर देगा इस प्रोपीन को तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसे अटैक कर देगा कहां पर अटैक करेगा देखो डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स है राइट राइट तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा राइट क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा है वहीं पे ज्यादा मजा आएगा तो इसीलिए ये वहीं पर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद क्या होगा अब देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ठीक है जब कभी भी एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसको आप ऐसे याद रखो इस कॉन्सेप्ट को कि ये H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है ये जब भी अटैक करेगा तो क्या होगा ये जो पाई बॉन्ड है ना मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है मतलब ये जो सी एच थ्री सी एच जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है और ये जो H प्लस है ना क्या होगा एक कार्बन के साथ H चला जाएगा दूसरे कार्बन के साथ प्लस आ जाएगा ठीक है तब तो इसको ऐसे एक मेमोरी टिप की तरह याद कर लो इजी रहेगा जब कभी भी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में चले जाओ जहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है जहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी जहां पर भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पर वो अटैक करना चाहेगा तो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था एक के पास H चला जाएगा दूसरे के पास प्लस चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई इस वाले कार्बन के पास प्लस चला जाए और इस वाले कार्बन के पास एक और एच आ जाए दिस इज वन पॉसिबिलिटी दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यार नहीं हो सकता है उल्टा हुआ हो यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले कार्बन के पास प्लस आ गया था और इस वाले कार्बन के पास इस वाले कार्बन के पास पहले दो हाइड्रोजन थे अब एक हाइड्रोजन और आ गया मतलब देखो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है राइट अब देखो ये क्या बना है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या बन गया है बन गया है कार्बो कैटायन राइट कार्बो कैटायन कार्बो एनायन ये सारी चीज़ें हमने इलेवंथ में पढ़ी थी अब पढ़ी थी तो बोलूंगी ही पढ़ी थी राइट अब सब कुछ तो दोबारा मैं पढ़ा नहीं सकती इलेवंथ की पूरी ऑर्गेनिक है ना बट ये चीज़ें हमने पढ़ी थी तो ये भी एक कार्बो कैटायन है ये भी एक कार्बो कैटायन है बट कौन सा वाला कितने डिग्री का कार्बो कैटायन है अगर देखा जाए तो ये जो कार्बो कैटायन है ना ये जो सी प्लस है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कह सकते हैं ये है टू डिग्री कार्बोकेट आयन ठीक उसी तरह यहां पर देखो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो एक ही से अटैच्ड है तो ये कौन सा डिग्री वाला है ये है वन डिग्री कार्बोकेटायन अब बच्चों मैं आपको लेके जाऊंगी कार्बो कटाइंस के कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए हमने सीखा था कि कार्बो के केस में थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री तो यानी कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये टू डिग्री है अब भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी जल्दी बनेगा राइट मतलब जैसे ये, ये मेरा था प्रोटीन अब इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये टू डिग्री भी बना सकता है ये वन डिग्री भी बना सकता है लेकिन टू डिग्री बनाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या बनाएगा जल्दी जल्दी ये ज़्यादा जल्दी जल्दी टू डिग्री बनाएगा तो यानी कि ये टू डिग्री कार्बो कटायन बनते चले जाएंगे अब ये बनते चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आई माइनस था मेरा वो वेला थोड़ी ना बैठेगा इधर ये प्लस है इधर ये माइनस है ये क्या होगा <coughs> ये जो है I- माइनस के साथ जुड़ करके क्या बना देगा ये बना देगा सी एच थ्री सी एच आई सी एच थ्री और ये क्या है ये हमारा यही मेजर प्रोडक्ट है देखो सेम चीज है एंड दैट्स द रीज़न ये जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है इनफैक्ट ये जो एक्सप्लेनेशन uh, थी ये जो रिएक्शन मेकानिज्म थी ये एक्सप्लेन करता है मार्कॉनिकॉफ्स रूल को कि मार्कोनिकॉफ ने ऐसा रूल क्यों बनाया मार्कोनिकॉफ ने तो हमारी लाइफ सिंपल करने के लिए एक स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई जहाँ भी ऐसा कार्बन दिखे जिसके साथ कम हाइड्रोजन है तुम्हारा वो नेगेटिव पार्ट जो है जो आई माइनस है वो उसी के साथ जाके जुड़ जाएगा ठीक है तो हमारे लिए चीजें सिंपल हो गई वरना हमें हमेशा ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके देखना पड़ता है कि नहीं तो मार्कोनिकॉफ ने इसी बेसिस पर मार्कोनिकॉफ जरूर दिया था तो चलो बच्चों अब देखते हैं दूसरा मेथड यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन एल्किन के साथ अगर मैं डायरेक्टली हेलोजन को ही ऐड कर दूँ जैसे मान लो मेरे पास इथिन है इथिन के साथ सीधा का सीधा ब्रोमीन बी आर टू एज इट इज एड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज सी एल फोर तो क्या मिलता है हमें हमें मिलता है एलकाइल हेलाइड तो मिलता ही है हमें स्पेसिफिकली मिलता है विसिनल डाई मतलब देखो इथीन का डबल बॉन्ड गायब हो चुका है और दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन लग गए हैं राइट तो यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन दो है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई हेलाइड तो यहाँ पर मुझे डाई हेलाइड मिल रहा है इनफैक्ट डाई ब्रोमाइड मिल रहा है टू बी मोर स्पेसिफिक किस तरह का डाई ब्रोमाइड मिल रहा है दोनों ब्रोमीन क्या सेम कार्बन पे लगे हैं नहीं दो पड़ोसी कार्बन पे लगे हैं यानी कि ये विसिनल डाई हेलाइड है है ना तो यहां पर मुझे क्या मिल गया मुझे विसिनल ब्रोमाइड यहां पे मिल गया तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया अब आप सबसे एक सवाल है फटाफट फड़ से अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि ये वाला रिएक्शन तुमने पहले कहीं देखा था क्या देखा था तभी तो पूछ रही हूं सोचो कहाँ देखा था दैट इज वॉट यू हैव टू थिंक सोचो 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 याद आया कुछ नहीं आया कोई बात नहीं अगर याद आ गया बहुत अच्छी बात है तो याद है हम एक टेस्ट किया करते थे कि भाई अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ हो और मुझे बताना हो कि बताओ इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या नहीं है ये अनसेचूरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है तो डबल बॉन्ड है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट किया करते थे और वो टेस्ट यही रिएक्शन हुआ करता था तो जो भी गिवन कंपाउंड है उसके साथ अगर तुम ब्रोमीन को रिएक्ट करवाओगे इन सी सी एल फोर तो तुम क्या देखोगे कि ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन जो कलर होता है ना वो डी कलराइज हो जाता है अगर डी कलराइज हो गया इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है क्योंकि ब्रोमीन एल्कीन के साथ जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर तो ब्रोमीन ब्रोमीन रहता कहाँ है ब्रोमीन तो उस हेल्किन में लग के डाई ब्रोमाइड बनाने को चल जाता है इसीलिए ब्रोमीन का जो कलर रहता है वो कलर डी कलराइज हो जाता है तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से हेलो एल्कि बनाते हैं फ्रॉम अल्कोहल यस एल्कोहल से भी हम इन्हें बना सकते हैं और कई सारे तरीके हैं एक्चुअली तो ओवरऑल हर तरीके में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि एल्कोहल का जो ओवेज OH ग्रुप होता है वो ओवेज ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विथ द हेलोजन ग्रुप मतलब ओवेज OH हटके वहाँ पे एक्स लग जाएगा एक्स बोले तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जो भी है वो हैलोजन वाला ग्रुप लग जाएगा एंड दैट्स हाउ वी गेट हेलो एल्केन्स ठीक है तो चलो एक एक करके हम सारे पॉसिबल मेथड्स देखेंगे जिससे हम एल्कोहल से हेलो एल्किन्स बना सकते हैं तो सबसे पहला मेथड है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स हेलोजन एसिड्स बोले तो एच जैसे कि एच सी एल राइट तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लेट अस सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है आर ओ एच आर एनी अल्काइल ग्रुप ये मिथाइल अल्कोहल हो सकता है इथाइल अल्कोहल हो सकता है प्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है तो इस अल्कोहल के साथ जब हम एच सी एल को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू तो क्या होता है ओ एच हटके वहां लग जाता है सी एल तो मिल जाता है हमें आर सी एल विच इज एलो के साथ क्या होता है जो ओ OH पहले लगा हुआ था वो ओ OH एच जाता है तो वो ओ एच एच टू ओ बन के निकल जाता है राइट क्योंकि एच एक्स का एक्स वाला पार्ट तो लग गया एल्कोहल में राइट और उसको बना दिया हेलो एल्केन, बट एच तो रह गया और उधर से ओ OH एच रह गया था तो एच और ओ OH एच बना देता है एच टू ओ सिंपल राइट एक और एग्जाम्पल देखते हैं मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है आर ओ एच इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं एन ए बी आर प्लस एच टू एस ओ फोर Right? यहां पर देखो क्या होगा बी आर जो हमारा ग्रुप है ग्रुप है ये जाके OH को हटा के उसकी जगह ले लेगा सो हाउ वी विल गेट आर बी आर मतलब एल्काइल ब्रोमाइड मिल गया साथ में क्या निकलेगा अब वहां से ओ OH एच बच गया था इधर से एच बच गया था तो एक तो एच टू ओ निकलेगा और साथ में एन ए एच एसओ फोर भी निकलेगा क्योंकि यहां पर हमने एच टू एसओ फोर को भी तो ले रखा था है कि नहीं तो इस तरीके से रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड से हम एल्कोहल से हेलो एल्कि बना सकते हैं दूसरा मेथड होता है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हेलाइड्स फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स दोनों के साथ हम रिएक्शंस देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स की यानी कि पी एक्स थ्री अब यहाँ पर ये जो एक्स है ये क्लोराइड हो सकता है ये ब्रोमाइड हो सकता है ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं आर ओ एच मान लो हमारा एक अल्कोहल है इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं पी एक्स थ्री को दैट इज फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड क्या बनेगा ओ OH एच रिप्लेस होके उसकी जगह ले लेगा एक्स तो आर एक्स बन गया ठीक है साथ में क्या निकलेगा बताओ क्या निकलेगा अब भाई एक्स तो चला गया ठीक है लेकिन मेरे पास फॉस्फोरस तो बचा हुआ है उधर से ओ तो बचा हुआ है तो एज अ रिजल्ट मुझे मिलेगा एच थ्री पी ओ थ्री इसके साथ में ठीक है तो एंड दैट कंप्लीट द रिएक्शन ठीक तो ये तो फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड की कहानी थी लेकिन फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग होता है तो यहाँ पे चलो एग्जाम्पल लेते हैं पी -फाइव का अब आप पूछोगे कि पी सी एल फाइव ही क्यों पी बी आर फाइव या पी आई फाइव क्यों नहीं क्योंकि पी बी आर फाइव या पी आई फाइव ये स्टेबल नहीं होते हैं इसीलिए ये जो पेंटा क्लोराइड वाला रिएक्शन है ये हमें जनरली एल्काइल क्लोराइड्स बनाने में ही मदद करता है ठीक है ओके okay. यहाँ पे होता कुछ यूं है कि जब हम आर ओ एच यानी कि कोई अल्कोहल को पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो पी सी एल फाइव है ना ये अपने आप को पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू में इंटरनली समझ लो तोड़ लेता है ठीक है अब इसका जो सी एल टू वाला पार्ट है ये आर ओ एच के साथ रिएक्ट करके बना देता है आर सी एल प्लस एच सी एल तो देखो क्या हुआ पी सी एल फाइव का दो सी एल तो यूज हो गया बचा क्या पी सी एल थ्री राइट right? अब आर ओ एच में से भी देखो क्या बचा हुआ है ओ बचा हुआ है ऑक्सीजन अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है तो इसीलिए एक साथ में क्या बन जाएगा पी ओ सी एल थ्री फॉस्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा पी ओ सी एल थ्री तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कभी भी ये कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरह के रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई पी सी एल फाइव के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं तो साइड के प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं हर जगह एल्काइल हेलाइट तो बनता ही है साथ में क्या बनता है तो PCl5 के साथ हमेशा POCl3 बनता है साइड में लेकिन PCl3 के साथ साइड में क्या बनता है H3PO3 ऐसा क्यों हुआ वो मैंने समझा दिया ताकि ये आपका एक मेमोरी टिप की तरह रहे PCL5 में क्या होता है वो PCL5 सी इंटरनली पी और CL2 में टूट जाता है वो CL2 जाके उधर HCL और आ, RCL बना लेता है इधर PCL3 बच जाता है और उधर से एक ऑक्सीजन बच जाता है ROH वाला O बच जाता है तो इसीलिए PCL3 और वो O मिल के बना देता है POCL3 ठीक है तो रिएक्शंस को ना हम ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखेंगे दिमाग में उससे क्या होगा एग्जाम में ना कई बार मैं सच्ची बता रही हूँ इस तरह से आप अगर रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो कई बार आप गेस वर्क भी अच्छा कर पाओगे कि यहाँ पे अगर ये रिएक्टेंट्स है तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं सो यू विल बी इट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू गेस अब हम देखेंगे तीसरा प्रोसेस जिसे हम डारजेंस प्रोसेस भी कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान हम रिएक्शन करवाते हैं विथ थायोनिल क्लोराइड दैट इज़ एसोसिएल टू अब आप बोलोगे कि मैम ये तो गलत बात है अभी आपने पी सी एल फाइव के केस में भी सिर्फ पी सी एल फाइव को लिया पी बी आर फाइव पी आई फाइव को नहीं लिया बोला वो स्टेबल नहीं होते अब यहाँ पर भी आप सिर्फ एस ओ सी एल टू की बात कर रहे हो एस ओ बी आर टू क्यों नहीं एस ओ आई टू क्यों नहीं वेल दैट इज बिकॉज एस ओ बी आर टू भी जो है वो स्टेबल नहीं होता है और एस ओ आई टू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सो वी आर लेफ्ट विथ एस ओ सी एल टू विच इज़ थायोनिल क्लोराइड ठीक है नाउ बच्चों इस रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट क्यों बताऊंगी अभी तो हम देखते हैं कि कोई भी एल्कोहल लेट से आर ओ एच जब एसओसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है क्या आर सी एल ऑब्वियसली ओ एच रिप्लेस होके वहां सी एल आ जाएगा तो आर सी एल बन गया अब इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे देखो क्या क्या बचा हुआ है उधर से ओ बचा हुआ है राइट इधर से एस SO ओ बचा हुआ है राइट एक सी एल भी बचा हुआ है करेक्ट तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे SO2 टू और HCl अभी अभी मैंने बोला था कि ये जो प्रोसेस है ना ये काफ़ी खास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है

राइट right? तो एज अ रिजल्ट ये गैस जो है ना एस्केप हो जाते हैं अपने आप में तो हमें प्योर एल्काइल हेलाइड मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से थायोनिल क्लोराइड वाला जो रिएक्शन है दिस इज ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स तो बच्चों अभी अभी हमने देखा कि हमने बनाया एल्काइल हेलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल अब एक सवाल बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम ठीक इसी मेथड से एराइल हेलाइट्स भी बना सकते हैं एराइल हेलाइट एराइल हेलाइड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा एरोमेटिक रिंग में OH लगा हुआ हो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे फेनॉल एब्सोल्यूटली तो क्या ठीक इसी मेथड से हम फेनॉल से एराइल हेलाइट्स बना सकते हैं तो आंसर होगा नो no. हम नहीं बना सकते हैं यानी कि ये जो अल्कोहल के अभी हमें अभी-अभी हमने तीन मेथड्स डिस्कस किए प्रिपरेशन के ये सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स बनाने के काम आते हैं हेलो एल्केन्स बनाने के काम आते हैं ना कि हेलो एरीन्स ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम फेनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बच्चों अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे ना तो फिनोल में कैसा होता है alternately सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है राइट बेंजीन रिंग में राइट right? अगर बॉन्ड के स्ट्रेंथ की भी बात करो तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना इनका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होता है मतलब इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर होता है है ठीक अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह शांत ही नहीं बैठते वो डिलोकलाइज होते हैं इधर से उधर कूदते रहते हैं यार राइट right? तो सारा जो घपला होता है ना बेनजीन रिंग के अंदर वो किसकी वजह से होता है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना तो अब इस कारण से जो बेंजीन रिंग के साथ ओ OH लगा हुआ है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना उस बॉन्ड का भी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है मतलब वो सी ओ एच वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है करेक्ट एंड दैट इज द रीजन ये जितने भी मेथड्स हमने हेलो एल्केन्स बनाए फ्रॉम एल्कोहॉल इन मेथड से हम हेलो एरिन नहीं बना सकते हैं फ्रॉम फिनॉल तो चलो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम एल्काइल हेलाइट बना सकते हैं फ्रॉम एलकाइल हेलाइट यस दैट्स इंटरेस्टिंग राइट मतलब एक अल्काइल हेलाइट से हम दूसरा अल्काइल हेलाइट क्या बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक हमने जितने भी प्रेपरेशन के मेथड्स देखे सब जगह हम देख रहे थे एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड बनाना काफी आसान था बट आयोडाइड्स फ्लोराइड्स ही कम जगह पे बन रहे थे राइट right? तो यहां पर अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड जो मर्जी है वो ले लो उसके साथ रिएक्ट कराओ सोडियम आयोडाइड को क्योंकि कोई तो ऐसा चाहिए जो आयोडीन देगा तभी तो आयोडाइड बनेगा राइट तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटोन मुझे क्या मिलेगा एल्काइल आयोडाइड और उसके साथ क्या मिलेगा सोडियम के साथ जुड़ जाएगा क्लोराइड या ब्रोमाइड राइट तो मुझे साथ में सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा ठीक है इस रिएक्शन का एक खास नाम दिया गया है एंड दैट इज फिंकलस्टिन रिएक्शन नाउ लेट मी आल्सो टेल यू ये जो रिएक्शंस है दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परसपेक्टिव एग्जाम में भी इनके आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है ओके okay. ओके okay. अब सोचने वाली बात यह है कि ड्राई एसिडोन को हमने यूज क्यों किया क्योंकि एज सच रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखते हुए हमें ड्राई एसिडोन से डायरेक्टली कुछ बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है बट ड्राई एसिडोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहां पे पता है क्या अब देखो इस रिएक्शन में हम चाहते क्या हैं हम चाहते हैं कि यार ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे ताकि आयोडाइड बनता रहे ठीक है जस्ट टू एनश्योर कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डिरेक्शन में ही चलता रहे हमने क्या किया ये ड्राई एसिटोन का यूज़ किया ताकि ये जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है उसको प्रेसिपिटेट बना सके मतलब उसको जो है ना वो ख़त्म कर सके एक तरीके से तो अब प्रोडक्ट साइड से अगर एन ए सी एल या एन ए बी आर को कोई ख़त्म करता चला जाएगा तो बाई डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग टू ले चटेलियर्स प्रिंसिपल मेरा रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड डिरेक्शन में जाएगा

अब ये सारी बातें अगर एक मेमोरी टिप के अंदर हम डाल दें तो याद रखना आसान होगा बिल्कुल आसान होगा ठीक है तो चलो एक ऐसे ही बनाया हुआ एक मेमोरी टिप शेयर करती हूं अगर आपका मन चाहे तो आप कुछ और मेमोरी टिप अपने एंड से सोच सकते हो हो सकता है आप और बढ़िया मेमोरी टिप ढूंढो और उसे कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हो ताकि बाकी बच्चे भी उस मेमोरी टिप का फायदा उठा सके ठीक है तो फिलहाल मेरा मेमोरी टिप तो कुछ यूं है क्लियर ब्रो नई एसिड फेको ठीक है फिर से सुनो क्लियर ब्रो मतलब बात समझ आई क्लियर ब्रो नहीं एसिड फेको कैसे याद रखेंगे इसे क्लियर ब्रो ये हमें बता रहा है कि यहां पे हम किसको रिएक्ट कराएंगे क्लोराइड या ब्रोमाइड क्लोर क्लियर ब्रो मतलब या तो क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो नई मतलब एन ए आई सोडियम आयोडाइड इज नई दैट इज एन ए आई एनएआई से रिएक्ट कराएंगे एसिड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिडोन एसिड से एसिटोन याद आ जाएगा थोड़ा बहुत फेको से क्या याद आएगा इस रिएक्शन का नाम दैट इज फिंकल फेको से थोड़ा बहुत याद आएगा ना फिंकल स्टिन फेको मतलब आप फिंकल स्टिन जैसे हजार नाम तो है नहीं आपके पास राइट अभी देखना आगे जाके ना मैं कुछ और रिएक्शंस के नाम बताऊंगी जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो है ना तो फेको याद रहेगा तो याद करोगे कि भाई फर्स्ट से कौन सा रिएक्शन फिंकल स्टिन हाँ ठीक है Right? So this is one memory tip जिसे आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो क्लियर ब्रो नई एसिड फेको तो चलो बच्चों अब देखते हैं एक और रिएक्शन जहां पर हम फिर से बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल तो यहां पर हम बनाएंगे किससे बनाएंगे एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड ठीक है तो इस रिएक्शन का भी एक खास नाम है जो कि है स्वर्ट्स रिएक्शन ठीक है इसीलिए मैंने बोला था कि कई नाम आते हैं तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा वाला आयोडाइड बनाने के लिए है और कौन सा वाला फ्लोराइड बनाने के लिए है ठीक है तो स्वाट्स रिएक्शन में क्या होता है आप अपने मर्जी से अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले लो उसको रिएक्ट कराओ किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ जैसे कि सिल्वर का फ्लोराइड जैसे कि कोबाल्ट का फ्लोराइड जैसे कि मर्क्यूरी का फ्लोराइड राइट तो इस तरह से एक मेटैलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड और साथ में क्या मिलेगा ए जो था मान लो जैसे अगर हमने सिल्वर फ्लोराइड लिया तो साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सिल्वर का क्लोराइड या सिल्वर का ब्रोमाइड बेस्ड ऑन हमने अल्काइल क्लोराइड लिया था या एल्काइल ब्रोमाइड लिया था ठीक है तो ये मेरा सिंपल सा सीधा साधा सा स्वॉट्स रिएक्शन है बट बात वहीं पे आके अटक जाती है कि इसे ये याद रखने का भी कोई मेमोरी टिप है क्या बिल्कुल है तो इसे या, या, याद रखने का इसे याद रखने का भी एक सिमिलर सा मेमोरी टिप है क्लियर ब्रो मीठे फल स्वीट ठीक है क्लियर ब्रो यहां भी यही बताता है कि आप क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हो मीठे फल ये बताता है मेटालिक फ्लोराइड्स आपको यूज करना है आपको रिएक्ट किससे कराना है मेटालिक फ्लोराइड से स्वीट आपको बताता है कि इस रिएक्शन का नाम है स्वॉट्स रिएक्शन राइट तो अब समझ में आया पीछे वाले पिछले वाले मेमोरी टिप में फेको से याद आएगा फिंकल स्टेन यहां पर स्वीट से याद आएगा स्वॉट्स तो इस तरीके से हम इन दोनों रिएक्शंस को याद रख सकते हैं और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें बनता क्या है एक में आयोडाइड बनता है और दूसरे में दूसरे में फ्लोराइड बनता है ठीक है अब इन दोनों रिएक्शन में एक कॉमन चीज हमने नोटिस की कि ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा था सोच के देखो क्या हो रहा था ओवरऑल हैलोजन एक्सचेंज हो रहा था राइट जैसे कि हमने क्लोराइड लिया एल्काइल क्लोराइड लिया उससे एल्काइल आयोडाइड बन गया एल्काइल ब्रोमाइड लिया उससे एल्काइल आयोडाइड बन गया एल्काइल ब्रोमाइड लिया उससे एल्काइल फ्लोराइड बन गया तो मतलब सिर्फ हेलोजेन का ही तो हेराफेरी हो रहा था राइट right? जो हैलोजन मेटालिक फ्लोराइड के साथ लगा हुआ था वो जाके अल्काइल ग्रुप के साथ लग जा रहा था जो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ था वो मेटालिक वाले मेटल के साथ जाके लग जा रहा था राइट right? तो सिर्फ हेलोजेन एक्सचेंज हो रहे थे तो इसीलिए लिए ये जो दोनों मेथड्स हमने डिस्कस किए चाहे फिंकल रिएक्शन हो चाहे स्वॉट्स रिएक्शन हो इन दोनों में ही हमें देखने को मिलता है हेलोजेन एक्सचेंज तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरिन्स के बारे में तो हेलो एल्केन्स के बारे में हमने काफ़ी सारे प्रिपरेशन मेथड्स देखे तो अब देखना यह है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो एरिन्स ऐसे तो हेलो एरिन्स को हम कई चीज़ों से बना सकते हैं बट यहाँ पर डिटेल में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जैसे कि हेलो एरिनस को हम एरन्स से कैसे बनाते हैं हेलो एरिन्स को हम डाईजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाते हैं जिस रिएक्शन का एक खास नाम है सैंडमियर्स रिएक्शन ठीक है तो चलो कुछ मेथड्स को डिटेल में देखेंगे लेट्स सी तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एरि का एक एग्जाम्पल टॉक अबाउट टॉलविन ठीक है बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है दैट्स तो देखो एरिन से टॉलविन से अगर मुझे बनाना हो एराइल हेलाइड्स मतलब इसमें मुझे एक हेलोजन ग्रुप अटैच कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन अचानक से इतना भारी भरकम सा वर्ड आ गया समझ में आएगा धीरे धीरे हम क्या करेंगे के साथ लगा देंगे, करा देंगे क्लोरीन या ब्रोमीन का, catalyst, जैसे iron, तो हमें क्या मिलेगा ऑर्थोहेलोटॉलविन पैराटोलविन ठीक है हमें एज प्रोडक्ट मिलेंगी ठीक है अब बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे कि ये रिएक्शन ऐसा हुआ क्यों इस रिएक्शन में हमने आयरन का यूज क्यों किया इस रिएक्शन में हमने ये डार्क क्यों मेंशन किया ये डार्क में ही क्यों होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बने कैसे अब यार ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए तो हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा फिलहाल तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर देखोगे तो इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर रहा है जिसकी वजह से ये सारा रिएक्शन हो रहा है अब यार इतनी सारी चीजें मैं हिंट्स देती रहूंगी बट शायद आपको क्लियर नहीं होगा तो चलो लेट्स लुक एट द रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल इससे पहले कि हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करें सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल जैसे कि यहाँ पर हमने इस एफी यानी कि आयरन का यूज क्यों किया आयरन जो कि एक लूविस एसिड है यहाँ पर इसका काम यह है कि ये एक पुअर जो एक बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोफाइल है उसको भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है अब अब आप सोच रहे कैसे चलो देखें देखो यहाँ पर ये जो हैलोजन है अभी के लिए लेटर्स एज्यूम कि मेरा हैलोजन क्या है क्लोरीन है ठीक है तो चलो पहले देखते हैं कि यह आयरन का काम क्या है तो इस क्लोरीन के साथ जब यह आयरन मिलता है तो ये बना देता है एफ ई सी एल थ्री ठीक है इसीलिए बहुत बार आयरन की जगह यहां पर एफ ई सी एल थ्री को भी डायरेक्टली यूज किया जाता है ठीक है एफ ई सी एल थ्री के साथ जब और क्लोरीन ऐड होता है तब ये बना देता है एफ ई सी एल फोर माइनस प्लस सी एल प्लस ठीक है अब देखो ये सी एल प्लस क्या है पॉजिटिव चार्ज है इसे किससे प्यार होगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से जिसको अट्रैक्शन होता है जो जिसे इलेक्ट्रॉन्स प्यारे लगते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स राइट तो इसका मतलब इस एफी के प्रेजेंस की वजह से क्लोरीन से जो है हमें क्या मिला सी एल प्लस मिल पाया आयरन था तभी ऐसा हो पाया राइट right? तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आंसर हो गया अब देखो इसमें हम कई बार Fe यूज करते कई बार FeCl3 यूज करते कई बार AlCl3 यूज करते और इन सब का पर्पस सेम होता है ठीक है दूसरा सवाल कि यहाँ पर हमने डार्क ऐसा क्यों लिखा हुआ है लाइट में क्या होता अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता तो उस केस में जो मेरा क्लोरीन है ना Cl2 ये टूट के फ्री रेडिकल्स बना देता थोड़ी देर पहले हमने वैसा एक रिएक्शन भी देखा था जहां पर क्लोरीन Cl CL2 जो है उसके जो दोनों CL है, वो स्प्लिट करके अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं right? But यहां पर ठीक तो है टेके? तो पहले तो ये दो बेसिक सवाल हमारे आंसर हो गए तो अब चलो देखते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है जाहिर सी बात है कि भाई जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो अब ये तो मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करेगा मैंने पहले भी बोला था राइट इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से प्यार है राइट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां होगी बहुत अच्छे से सोचो बेंजीन की रिंग जैसी आ जाती है तो वहां पर क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं एक जगह बैठे नहीं होते हैं राइट हमें पता है तो इससे हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फिर तो मतलब सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग बराबर है क्या इज इट नॉट रियली क्यों क्योंकि इस बेंजीन रिंग के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है ये एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप किस तरह का ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है राइट right? दो तरह के ग्रुप होते हैं एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स राइट right? तो अल्काइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये सब हमने पढ़ा है क्या बिल्कुल पढ़ा है इलेवेंथ की केमिस्ट्री में ठीक है तो अभी जो काम की चीज़ें हैं वही बात करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि ये जो ग्रुप है ना ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन और देगा यानी कि इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने की वजह से मेरे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है कहाँ पर बढ़ती है ये भी हमने पढ़ा था जब भी एक रिंग में <coughs> एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है अब देखो मिथाइल ग्रुप यहां पे है इसका पोजीशन ये वाला हो जाएगा जब यहां पे कोई चीज लगेगी तो वो हो जाएगा ऑर्थो तो ये जो है ये इसका पोजीशन हो जाएगा और ये जो है बिल्कुल इसके ये ये जो है, ये इसका पैरा पोजीशन हो जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो मतलब और पर ही अटैक करेगा और प्रोडक्ट मिलता है समझ में आ रहा है ओके तो अब चलो हम ऑर्थो वाले अटैक को अभी के लिए देखते हैं तो लेटर सपोज इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस पोजीशन पे अटैक कर दिया इस वाले पोजीशन पे ठीक है तो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करता है तो क्या होता है उस वाले पोजीशन के आसपास जो डबल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट जाता है जैसे यहां पर ऑर्थो पोजीशन के आसपास डबल बॉन्ड ये वाला है तो ये वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा और ये बॉन्ड जिस दो कार्बन के बीच में था एक के ऊपर प्लस चार्ज जा आ जाएगा और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा CL. यहाँ यहां पर सीएल प्लस है इलेक्ट्रोफाइल तो एक के पास सीएल जुड़ जाएगा और एक के साथ प्लस जुड़ जाएगा ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया था तो बस उसी ट्रिक को लगाओ तो इस अटैक के बाद कुछ ऐसा होगा ये डबल बॉन्ड गायब हो गया अब इस वाले जगह पे लेटर्स से सी एल जुड़ गया तो यहां पर प्लस आ जाएगा अब इस वाले कार्बन से ये एक एच जुड़ा हुआ था ही ठीक है ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी तो फोर है भाई पूरा तो करना पड़ेगा उसको वो इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर एक कार्बन से यहां पे एक सी एल आके जुड़ गया तो चौथा वाला एच के साथ लगा हुआ है ठीक है अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया डू यू थिंक दिस इज स्टेबल डेफिनेटली नॉट देखो ना भाई यहाँ पर ऐसे प्लस चार्ज भी लगा हुआ है सो दिस इज एब्सोल्यूटली अनस्टेबल तो अनस्टेबल कौन रहना चाहता है कोई भी नहीं रहना चाहता है सब लोग स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं तो बेचारा ये भी तो वही चाहेगा तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसने बोला ठीक है एक काम करते हैं ये H प्लस जो है निकल जाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यू बन गया और ये एच प्लस जो है ये अपना अलग निकल गए ठीक है निकल गए तो कहाँ गए यहीं पे गए गायब थोड़ी ना हो जाएंगे ये H प्लस ऐसे निकल गए अब इस H प्लस का क्या होगा अरे H प्लस की चिंता नहीं करो H प्लस का ध्यान रखने के लिए कोई तो है अब ये जो H प्लस है ये क्या करेगा ये H प्लस जो है कंबाइन कर जाएगा Cl माइनस के साथ क्योंकि देखो ना जब इस रिएक्शन के दौरान जब सी एल प्लस निकला था वहां पर एक माइनस वाला नेगेटिव आयन भी था तो उसके साथ मिल करके ये जो है अपने आप में क्या बना लेगा एच सी एल तो इसकी कहानी अपनी अलग चलती रहेगी और यहां पर मुझे क्या मिल गया मुझे यहां पर मिल गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन राइट right? जो कि यहां पर हमने लिखा है हेलो ऑर्थोहैलोटॉलविन पैरा कैसे बनेगा बिल्कुल इसी तरीके से जब इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा ठीक है बात समझ में आई तो विथ दिस अब समझ में आ रहा है कि कैसे ऑर्थो और पैरा ये दोनों का दोनों ही मिल जाते हैं हमें प्रोडक्ट में ठीक है अब देखो ये दोनों का मिक्सचर तो मिलता है प्रोडक्ट में बट इनको सेपरेट करना आसान होता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट तो आई मीन वी कैन इजिली सेपरेट देम इन द लेबोरेटरी अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यही सेम रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करें तो वहाँ पर ना एक इशू आती है इशू ये आता है कि जब हम आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है राइट right? जैसे वहां पे एच मिल रहा था उसकी जगह यहाँ एच मिलता हाँ, है और एच जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड हाँ, 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 जो होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है ये हमेशा लोगों को रिड्यूस करना चाहता है तो इस वजह से ये चाहता है कि ये एराइल हेलाइट को वापस से रिड्यूस करके एरिन बना दे यानी कि एच हाँ का यही टेंडेंसी होता है कि रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाए बट हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं हमें क्या चाहिए हमें तो एराइल हेलाइड चाहिए लेकिन एच चाहता है कि एराइल हेलाइड रिड्यूस होके एरिन बन जाए करेक्ट तो अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं सोचो क्या कर सकते हैं हम कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एच जो है वो उसको जो है ना कोई और निपट ले उससे ताकि वो ये रिड्यूस कर ही ना सके इसी के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करते हैं जैसे कि एच इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जब ये सेम रिएक्शन ये सेम चीज जब हम आयोडीन के साथ करते हैं तो उस समय हम एच जैसे स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं ताकि एच जो है इस एच को ऑक्सीडाइज कर दे और हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज इट इज चलता रहे ठीक उसी तरीके से आपने नोटिस किया हमने एराइल हेलाइड्स की जो बातें की अभी तक उसमें हमने क्लोराइड कंपाउंड्स की बात की हमने ब्रोमाइड की बात की हमने आयोडाइड की भी बात की बट हमने फ्लोराइड की बात नहीं की क्यों क्योंकि फ्लोरो कंपाउंड्स को जो है हम इस मेथड से बना ही नहीं सकते हैं दैट इज बिकॉज फ्लोराइड इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मतलब ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव नेचर पे जाके रिएक्टिव है तो इसीलिए उसको हमारे पास हैंडल करने का भी कोई तरीका नहीं होता एंड एज अ रिजल्ट फ्लोरो कंपाउंडस आर नॉट प्रिपेयरड यूजिंग दिस मेथड तो चलो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि हेलो एरिनस जो है ये डाई सॉल्ट से कैसे बनते हैं सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि ये डाई कंपाउंड्स या डाई सॉल्ट्स होते क्या हैं तो जो जनरल फॉर्मूला होता है डायजोनियम सॉल्ट या डायजोनियम कंपाउंड का वो कुछ ऐसा होता है आर स्टैंड फॉर एनी अल्काइल ग्रुप एन टू प्लस एक्स माइनस ठीक है इस फॉर्मेट form, में होते हैं डाय एजोनियम तो अभी ये समझने के लिए कि कैसे बनता है हेलो एरिन ये टू स्टेप प्रोसेस है सबसे पहले तो देखेंगे कि डाई एजोनियम हेलाइड जो है ये कैसे बनते हैं फिर हम देखेंगे कि वो फ्रेशली प्रिपेयर डाई एजोनियम सॉल्ट से हेलोअर कैसे बनते हैं ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक प्राइमरी एरोमेटिक एमहीन <coughs> एमीन कौन होता है जहाँ पर भी ये एन एच टू ग्रुप लगा होता है ये एरोमेटिक है दिखी रहा है तो ये एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं एन ए एन ए टू प्लस एच एक्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एट टू सेवेंटी थ्री टू टू सेवेंटी एट तब हमें मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड विच इज़ अ डाई एजोनियम सॉल्ट ठीक है अब इस डायजोनियम सॉल्ट से ही मुझे हेलो एरीन मिलता है बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे मतलब यहाँ इस एमीन से ये डायजोनियम हैलाइड बना कैसे तो इसके लिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा चलो देखते हैं ठीक है रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पकी हमने NaNO2 और HX को लिया था NaNO2 के अंदर क्या है NO2 एनओ ये रिएक्ट किया किसके साथ एच के साथ अब एच के अंदर क्या है यहां पर एच प्लस है यहां पर ये ओ माइनस है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के तरफ खींचे चले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये कुछ ऐसा राइट right? ये ओ और ये एच जो है साथ में हो गए अब जब इनके साथ इनको और ज्यादा एच प्लस मिल जाएगा और H प्लस जब इन्हें मिल जाएगा तो क्या होगा वो H प्लस भी यहां पर कहीं आ जाएगा कुछ ऐसा सा H प्लस आ गया था तो अगर इस वाले पोर्शन पे फोकस करो सो वॉट इज दिस दिस इज हाइड्रोनियम आयन अब ये हैवी होने की वजह से ये क्या होगा ये निकल जाएगा बाहर ठीक है तो जब ये निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या एन डबल बॉन्ड ओ बचेगा हमारे पास तो ये हमारा पहला स्टेप है मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूं कि ये जो हमने यूज किया है यहां पर एनए टू प्लस एच एक्स क्या काम करता है ठीक है अब मेन मुद्दे पे आते हैं अब हमने यहां पे क्या लिया था प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जहां पर इस नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा एनओ अब देखो यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर इसके पास है प्लस तो क्या संभावना है इन दोनों के इन दोनों के साथ हो जाने की संभावना है राइट तो उस केस में हमें क्या मिलेगा ये जो मेरा बेंजीन रिंग था वहां पर ये इस तरीके से एन एच टू था बट अब इस नाइट्रोजन के साथ इधर एन डबल बॉन्ड ओ भी आ गया कुछ इस तरीके से मैं ये पूरा मैकेनिज्म बता रही हूं जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे बन रहा है डायजोनियम सॉल्ट्स ठीक है तो ऐसा कुछ बन गया अब इसमें से जब अब इसमें से जब ये H2O टू ओ अलग से निकल जाता है मतलब जब इसमें से माइनस एच टू ओ हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है हमारे पास बचता है एन टू प्लस राइट अब इस एन टू प्लस के साथ जब हम X माइनस को ऐड कर देते हैं क्योंकि कहानी की शुरुआत तो एच एक्स से हुई थी अभी तक सारा काम किसने किया था एच प्लस ने किया था बट एक X माइनस भी तो था पड़ा हुआ तो वो X माइनस अब पिक्चर में आ जाएगा और वो X माइनस इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा डाई एजोनियम सॉल्ट एन टू प्लस एक्स माइनस दिस इज वॉट इज डाइजोनियम सोल्ट से यहां तक बना कैसे? अब देखना यह है कि इस फ्रेशली प्रिपेर्ड डाईजोनियम सॉल्ट से हम हेलोवेरिन कैसे बनाते हैं तो अब यह जो डाई एजोनियम सॉल्ट बना यह फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड को तो हम क्या देखते हैं जो डायजोनियम ग्रुप है वो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किससे क्लोराइड या ब्रोमाइड से एंड दैट्स हाउ वी गेट द एराइल हेलाइड्स ठीक है अब ये सेम चीज हम आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं कर सकते हैं वेल कर सकते हैं बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आयोडीन जो है ना वो थोड़ा अलग है राइट तो इसीलिए यहां भी हम देखेंगे कि डायजोनियम ग्रुप को हटाने के लिए आयोडिन को जो है क्यूपरस हेलाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्या जरूरत पड़ती है सिर्फ उसे शेक कर दो डायजोनियम सॉल्ट को शेक कर दो विथ पोटेशियम आयोडाइड और तुम्हारा काम हो जाएगा राइट तो यहां पर हमें क्यूपरस हेलाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है सिर्फ शेकिंग इट विथ पोटेशियम आयोडाइड इज इनफ टू रिप्लेस डायजोनियम ग्रुप विथ आयोडाइड ग्रुप तो प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स और हेलो एरिंग्स के प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें चलो देखें तो चलो भाई प्रैक्टिस टाइम है तो कुछ क्वेश्चन देखना तो बनता है ये रहा हमारा पहला इक्वेशन इसमें है क्या इसमें ये रिंग बनी हुई है ये रिंग क्या है क्या ये बेंजीन की रिंग है फिनॉल है नहीं है बिल्कुल नहीं है बेंजीन की रिंग होती तो अंदर हमें ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड्स दिखते राइट यहाँ पर ये क्या है ये साइक्लोहेक्सेन है हेक्सेन तो नहीं है इसमें ओ OH एच लगा हुआ है तो दिस इज साइक्लोहेक्सानॉल राइट तो बेसिकली ये क्या है एक अल्कोहल है इसको हमने किसके साथ मिलाया एसओसीएल टू वॉट इज एसओसीएल टू थानिल क्लोराइड इसके बारे में डिस्कस किया था डार्जेंस प्रोसेस राइट तो जब हम अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है एल्काइल हेलाइड मिलता है राइट तो यानी कि यहाँ पर भी वही होगा ये जो ओ OH एच है ये रिप्लेस हो जाएगा सी से तो ओ एच रिप्लेस हो गया सी से और साथ में SO2 और एच निकल गया इस प्रोसेस की तो खास बात ही ये होती है कि ये जो साथ में जो चीज़ें निकलती हैं दे आर एस्केप एस्केपेबल गैसेस उसी की वजह से अल्कोहल से जब भी अल्काइल हेलाइड बनाना होता है सो थ्योनाइल क्लोराइड इज ऑलवेज प्रिफर्ड ठीक है अब यहाँ पर एक छोटा सा टिप देती हूँ ठीक है बहुत से बच्चों को एक बार में लगा होगा कि यार ये जो है ना ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है यहाँ तो अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड बनता ही नहीं है और ये लिख देंगे नो रिएक्शन और उनका आंसर गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि भाई मैंने जिसकी बात करी थी दैट वॉज अबाउट एराइल हेलाइड जिसमें अंदर जो है बेंजीन की रिंग होगी बेंजीन के रिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर चूंकि वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन ओ के का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है इसीलिए वो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है दैट इज़ वाइड उनके उनसे हम एल्काइल हेलाइड इन प्रोसेसेस से नहीं बना पाते हैं बट यहां पर ध्यान से देखो तो सही ये तो बेंजीन वाली रिंग है ही नहीं दिस इज जस्ट साइक्लो हेक्सानॉल राइट तो यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा कौन बताएगा चलो फटाफट से कमेंट में लिखकर बताओ खुद से ठीक है इससे पहले कि मैं लिखूं तो एनी वेज आई लल्सो टेल यू सो दिस इज बेसिकली क्लोरो साइक्लो हेक्सैन तो यहां पर बन गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ठीक है क्लियर है चलो दूसरा देखें चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं यहां पर हमें बेंजीन की रिंग दिख रही है जिसके साथ ओएच OH एच लगा हुआ है दूसरी तरफ सी एच टू ओएच लगा हुआ है इसको जब हम एच सी एल के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है ठीक है सबसे पहले तो इससे पहले कि हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में सोचे पहले तो बताओ कि ये इस कंपाउंड का नाम क्या है ठीक है इतनी नॉमिन क्लेचर करी है हमने तो ये तो पता होना ही चाहिए तो चलो देखते हैं इसका नाम क्या है अब देखो यहाँ पर है अल्कोहल का ग्रुप जिसको मिलनी चाहिए प्रायोरिटी ठीक है तो इसको प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग कुछ ऐसे होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब फोर नंबर पे क्या है ये एक कार्बन है और इधर ओ OH भी है ओ के लिए प्रीफिक्स में यूज करते हैं हाइड्रोक्सी सी के साथ है सो मिथाइल हाइड्रोक्सी तो इसका नाम हो जाएगा Four methyl hydroxy phenol. फेनॉल क्यों बेंजीन के रिंग के साथ जैसे जब सी एच थ्री लग जाता है तो वो टॉलविन हो जाता है जब ओवेच लग जाता है तो फिनॉल हो जाता है राइट right. तो ये हो गया फोर मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल इसको जब हम हीट करेंगे और एच के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा ये जो सी है ये ओवेज को रिप्लेस करेगा कौन से ओवेच को रिप्लेस करेगा बताओ सोच के बताना क्या वो इस ओवेज को रिप्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ओवेज डायरेक्टली इस रिंग से अटैच्ड है इसका मतलब वो जो मैं बात कर रही थी ना डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर वो कैरेक्टर पार्शियली इस बॉन्ड में है तो इस बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होगा इसीलिए ये वाला ओएच OH जैसा है ऐसा ही रहेगा कौन से वाले ओएच OH को ये तोड़ पाएगा इस वाले ओएच OH को क्योंकि ये वाला ओवेज OH इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये रिंग से दूर है राइट तो इस ओएच OH को ये रिप्लेस कर देगा सी से ठीक है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट जिसमें देखो ये वाला OH रिप्लेस हो गया है Cl से तो इसका नाम क्या हो जाएगा सेम ही नाम रहेगा बस हाइड्रोक्सिक की जगह क्लोरो आ जाएगा राइट तो इसका नाम हो जाएगा फोर क्लोरो मिथाइल फेनॉल अब बच्चों यहां पर एक छोटी सी गलती थी ये फोर मिथाइल हाइड्रोक्सी नहीं था फोर हाइड्रोक्सी मिथाइल था हाउ वी राइट इन आई यूपीएसलेचर तो ये भी हो गया अब चलो देखते हैं तीसरा वाला सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस एन ए आई एन ए आई एन ए आई इसे कुछ याद आया नहीं। क्लियर ब्रो नई एसिड फेको याद आया मेमोरी टिप क्लियर ब्रो मतलब क्लोरीन, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं नई एसिड मतलब एन सोडियम आयोडाइड जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटोन तो मुझे क्या मिलता है आयोडाइड मिलेगा ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे ये जो आयोडीन है ये एक्सचेंज हो जाएगा आयोडीन इसके पोजिशन में चला जाएगा और ब्रोमीन इसके पोजीशन में आ जाएगा और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन एब्सोल्युटली तो यहां पर मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू आई प्लस एन ए बी आर और ये रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन ठीक है क्लियर था ओके अब बचा आखिरी वाला आखिरी वाला कह रहा है देखो ये कंपाउंड देखो साइक्लो कंपाउंड है एक एल्कीन डबल बॉन्ड भी है मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और इसको हम एच आई के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ठीक है एच आई के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा एच आई जो है अंदर ही अंदर H प्लस आई माइनस में टूट जाएगा अब ये आई माइनस जाके कहाँ पे जुड़ेगा दैट्स द मेन क्वेश्चन आई माइनस जाके कहां पे जुड़ेगा यहां पर काम आएगा हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है जैसे कि आई माइनस ये उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है तो यहां पर देखो अगर इसे ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को तो कौन सा ऐसा कार्बन एटम है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या वो इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा क्योंकि इस कार्बन के साथ तो देखो ऑलरेडी तीन हाइड्रोजन है राइट right? बट अगर इस वाले कार्बन पे फोकस करो तो देखो इस वाले कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन आइटम है बाकी सबके साथ चेक कर लो कितने सारे हैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस कार्बन की बात करो तो ये इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बाकी दो हाइड्रोजन है, है राइट बट यहाँ पर जो कार्बन है इस पोजीशन में देखो वो इधर डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इधर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इधर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो यानी कि ये उस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा तो इस वजह से जो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा वो आई जो है वो जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको हर रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया है देखो तो ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर थोड़ा हेल्पफुल रहता है अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो चलो ठीक है ये प्रैक्टिस तो हमारी अच्छी खासी रही अब बारी है देखने की हेलो एल्केन्स और हेलो एलियन्स की प्रॉपर्टीज़ की तो भाई हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर तो कर लिया अब ये जानना ज़रूरी है कि हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं क्योंकि जब तक हम हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि हेलो एल्केन्स कैसे कैसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है है कि नहीं तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे चार चीज़ें फिजिकल स्टेट सोल्यूबिलिटी डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो एल्काइल हेलाइट कलरलेस होते हैं जब वो प्योर होते हैं हालांकि इसके एक्सेप्शन में ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो कलर डेवलप करते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट बहुत सारे वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड्स में एक स्वीट स्मेल होता है तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली ऑर्डरलेस होते हैं अगर बात करें इनके स्टेट की तो हम देखते हैं जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड वगैरह ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लिक्विड्स या सॉलिड्स के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो अब बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट में हम ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स आर हायर देन द रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन मतलब ये जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बन रहे हैं ये जिस हाइड्रोकार्बन से बन रहा है उस हाइड्रोकार्बन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा है ऐसा क्यों है दो चीजें देखो एक हाइड्रोकार्बन से जब हेलो एल्केन बन रहा है तो उस समय हो क्या रहा है एक तो एक हेलोजेन की एंट्री हो जा रही है राइट right? और हमें क्या पता है कि हैलोजन का जो मास है वो एनी इससे काफ़ी ज्यादा है मतलब जिस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करके आ रहा है उसके मुकाबले इसका मास काफ़ी ज्यादा है दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हेलोजन के आते ही हेलोजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलराइज्ड है क्योंकि कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है राइट तो ओवरऑल ये ज्यादा पोलराइज है तो इन दो कारणों की वजह से क्या हो रहा है जो इंटर फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रांग हो जा रहे हैं राइट है? एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है तो क्या होगा जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो इनके इन सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में काफी स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट उस लॉजिक से राइट right? ऊपर से मास भी अधिक हो रहा है तो मास भी अधिक हो रहा है तो अंदर के जो फोर्सेस है वो भी तो बढ़ गए सो ओवरऑल मेरा जो फोर्स है ना इंटरमोलिकुलर वो काफ़ी बढ़ गया अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है किसी सब्सटेंस को मैं बॉयल कर रही हूं मतलब उसको लिक्विड से वेपर स्टेट में ले जा रही हूं लिक्विड स्टेट में जितना उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है उस उसको ओवरकम करके उनके बीच की डिस्टेंस को और बढ़ा रही हूँ उसे एक दूसरे से दूर लेके जा रही हूँ तभी तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगा राइट right. अभी इस केस में क्या हो रहा है हाइलोजन के एंट्री के साथ ही इनके आपस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जा रहा है तो यानी कि उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे उन्हें और हीट करना पड़ेगा करेक्ट उस ओवर उसको ओवरकम करने के लिए आई एम हीटिंग इट टू हायर टेम्परेचर दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहले से भी ज्यादा हो जाएगा एंड दैट्स द रीजन कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से काफी ज्यादा है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि अगर हम आइसोमर्स की बात करें जैसे मान लो मेरे पास तीन हेलो एल्किन्स दिए हुए हैं जिनमें से सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे कि जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग अगर हम बात करें पैरा और मेटा आइसोमर्स की मेटा पारा क्या होता है ये तो बाई नाउ सबको पता ही है राइट इनके पोजीशंस रिंग में अगर पोजीशंस देखो ऑर्थो मतलब बिल्कुल बगल वाला पारा मतलब एकदम ऑपोजिट वाला राइट मेटा मतलब जो बीच वाला है ठीक है तो ये ऑर्थोमेटा पारा होता है हम देखते हैं कि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होते हैं देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखो तो जो पैरा आइसोमर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक लैटिस के फॉर्मेट में फिट हो जाता है अब जिसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल और यू you नो know, क्रिस्टल लैटिस में फिट होने वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी मतलब उसको तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी राइट उसको अगर बॉयल भी करना है ना तो और हीट करना पड़ेगा तब जाके वो टूटेगा राइट सो दैट्स बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से पैरा आइसोमर्स के बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स अब बात करेंगे हम डेंसिटी के बारे में नोटिस ये किया जाता है कि ब्रोमो क्लोरो इवन पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के वो ज्यादा हेवियर होते हैं ऐसा क्यों ज्यादा हेवी क्यों होते हैं यार याद करो डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ठीक है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे जैसे जैसे मास ऑफ द हेलोजन एटम्स बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी तो बढ़ेगा है कि नहीं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा अब इस टेबल में देखो बहुत सारे कंपाउंड्स लिस्टेड हैं अब आप देखोगे कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स ये सारी चीजें जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ रही है लेट्स लेट्स टेक एन लुक एट टू देखो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है फर्क सिर्फ हेलोजन में है एक में क्लोरीन है दूसरे में ब्रोमीन है एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। लेकिन अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करो पीरियोडिक टेबल पे चले जाओ क्या देखोगे कि किसका मास ज्यादा है ब्रोमीन का मास ज्यादा है। चूंकि ब्रोमीन का मास ज्यादा है तो इसीलिए ये जो ब्रोमाइड है इसका ओवरऑल डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा अब बारी है सोल्यूबिलिटी की तो भाई देखो बच्चों सोल्यूबिलिटी का तो एक ही फंडा है लाइक डिजोल्व लाइक अगर कोई पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा सिंपल सा फंडा है तो अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरियन्स की तो ये क्या है पोलर है नॉन पोलर है वेल well, ये स्लाइटली पोलर है क्योंकि हमने कार्बन हाइलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था राइट है तो पोलर तो है बट बहुत स्लाइटली पोलर है चूंकि ये स्लाइटली पोलर है तो इसीलिए जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि वाटर इनमें ये स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं इजी राइट right? लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि एल्कोहल ईथर इनमें ये सॉल्यूबल होते हैं तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक हालांकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है इसके बाद तो शुरू होने वाले हैं इनके रिएक्शंस जो कि है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट तो अगले वीडियो में हम खत्म कर डालेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के कॉन्सेप्ट एंड लेट मी टेल यू कि अगला वीडियो होने वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर डुपर इंटरेस्टिंग उसमें हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में और भी ढेर सारी चीजों के बारे में ठीक है तो मैं जल्दी ही मिलती हूं आपके साथ नए वीडियो के साथ और तब तक अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कॉमेंट्स में जरूर लिखना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय